इसके एक एक फंडामेंटल को इसके एक एक बेसिक को बहुत बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं आपको हर मशीन की वर्किंग एप्लीकेशन छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट याद रहने वाला है ये मेरा आप लोगों को प्रॉमिस है इस सब्जेक्ट के अंदर हर छोटी चीज हम लोगों को याद रहने वाली है क्योंकि हम लोग हर चीज को ना एकदम ग्राउंड लेवल से लेके एडवांस लेवल तक तैयार करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि हम कोई भी बात को भूल जाएं तो फटाफट सभी लोग आ जाइए भाई आज एक नए अध्याय की शुरुआत है आज एक नए सेक्शन की शुरुआत है जिसको आप लोग काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हैं चलिए और दूसरी बात यह भी है देखो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है जो अब आप सीखने जा रहे हो दिस इज माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट जो कि मुझे हर बार पढ़ाने में उतना ही मजा आता है जितना पहली बार आया था और हर बार मुझे कुछ नया सीखने भी मिलता है तो इस बार भी आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा और इस सब्जेक्ट से भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा क्योंकि यार आप लोग बहुत सारा इंफॉर्मेशन टेबल पे लेके आते हो बहुत सारी चीजें आप लोगों के माइंड में रहती है बहुत सारे क्वेरीज रहते हैं वो सारे क्वेरीज से एक्चुअली आई लर्न अलॉट डेफिनेटली चलिए तो बिफोर वी स्टार्ट लेट स्टार्ट ऑन अ पॉजिटिव नोट यू आर बोर्न टू विन बट टू विनर प्लान टू विन प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन क्या मतलब हुआ इस बात का इस बात का बेटा एक ही मतलब हुआ कि आप अगर जीतने के लिए पैदा हुए हो ना तो आपको हर समय एक विनर एटीट्यूड रखना पड़ेगा आपको तैयारी भी एक विनर की तरह करनी होगी एक्सपेक्टेशन भी एक विनर की होनी चाहिए और प्लानिंग भी एक विनर वाली होनी चाहिए यानी अगर मैं स्टूडेंट लाइफ में इसको लेके आता हूं तो अगर आप एक टॉपर बनना चाहते हैं तो आपका एटीट्यूड एकदम बेटा टॉपर वाला होना चाहिए और टॉपर के अंदर सबसे बड़ा एटीट्यूड क्या होता है Never गिविंग अप और जो maximum चीजों से बच्चे भागते हैं ना टॉपर वहीं पे एक्सेल करते हैं जैसे मैक्सिमम बच्चे टेस्ट से भागेंगे सर हमको टेस्ट नहीं देना मार्क्स कम आ गए तो क्या करेंगे सर डिमोटिवेट हो जाएंगे वहीं एक टॉपर क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देगा खुद को जज करेगा कि मेरी तैयारी कितनी ऑन ट्रैक है और कितनी ऑफ ट्रैक है और अकॉर्डिंगली अपने रूट को अपनी प्रिपरेशन को मॉडिफाई करेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा तो आपको बेटा हमेशा एटीट्यूड एक टॉपर वाला बनाना होगा तभी आप एक टॉपर बन सकते हो हार्डवर्क तो देखो इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग करते हैं साउंड नहीं आ रहा हेलो 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 साउंड तो ठीक है भाई तो देखो भाई हार्डवर्क तो इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग करते हैं लेकिन फिर भी सक्सेसफुल ओनली कुछ लोग हो पाते हैं उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है बेटा कि हर किसी के अंदर ना वो एटीट्यूड सही नहीं होता माइंडसेट सही नहीं होता और इवेंचुअली गेम जो बनेगा ना वो माइंडसेट से बनेगा ठीक है तो मेहनत का फल भी तभी मिलेगा जब दिशा सही होगी स्ट्रैटेजी सही होगी तैयारी सही होगी चलिए तो देखो यार इसके अंदर हम लोग क्या क्या करने वाले हैं मैं आपको बेसिक ऑफ ई भी कराऊंगा क्योंकि आपके मशीन के जो प्रिंसिपल हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से आते हैं ट्रांसफॉर्मर एनर्जी कन्वर्जन डीसी मशीन सिंक्रोनस मशीन इंडक्शन मशीन एनर्जी कन्वर्जन पे बेटा हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे ठीक है इसको एज अ टॉपिक हम लोग कवर नहीं करेंगे SSCJE के अंदर इट नॉट गेट के अंदर भी इसमें दस साल में एक सवाल आता है बट हमारा फोकस चार मशीन पे रहने वाला है जिसके आधार पे हमारे सारे क्वेश्चन सारे के सारे कॉन्सेप्ट बनेंगे ठीक है अब देखो यार अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मर में क्या क्या टॉपिक कवर होंगे कंस्ट्रक्शन कवर करेंगे डीएमएफ सर्किट टेस्टिंग लॉसेज एफिशियंसी रेगुलेशन थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर ऑटो ट्रांसफॉर्मर पैरल ऑपरेशन और हार्मोनिक्स ये टॉपिक्स कवर होंगे डीसी में कंस्ट्रक्शन ई एम एफ टॉर्क सर्किट लॉसेज एफिशियंसी स्पीड कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मशीन यहां पर स्टार्टिंग और ब्रेकिंग भी कराऊंगा स्टार्टिंग एंड ब्रेकिंग चीज भी कवर करेंगे मशीन के अंदर भाई काफी बड़ा टॉपिक होता है EMF की बात होगी वोल्टेज रेगुलेशन की सर्किट की इंपिडेंस की पावर एंगल इक्वेशन पैरल ऑपरेशन लॉसेज वोल्टेज रेगुलेशन ड्रुप सेलियंट पोल मशीन सिंक्रोनस मोटर कास्केडिंग और कंस्ट्रक्शन की चर्चा भी यहां पर की जाएगी इंडक्शन में कंस्ट्रक्शन और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सर्किट टॉर्क स्लिप पावर फिर टेस्टिंग स्टार्टिंग ठीक है स्पीड कंट्रोल स्टेबिलिटी सिंगल फेज और ब्रेकिंग ब्रेकिंग भी भी देख लेंगे भी लेंगे ठीक है कवर कर कुछ हद तक तो देखो हमारी ब्रेकिंग के बारे में चर्चा हुई थी यूटिलाइजेशन के अंदर लेकिन अब जब आप मशीन के अंदर ब्रेकिंग पढ़ेंगे ना तो आपको ज्यादा अच्छे से चमकेगा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट भी ठीक है भाई अब मशीन की देखो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या अगर मैं एस एस सी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं पहली बात तो ये है बेटा कि इसका ना आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे जेई -E लेवल पे हाईएस्ट वेटेज इसी का रहने वाला है ठीक है ये फिक्स है कोई भी आपको कोर डोमेन में नौकरी दे रहा है तो वो आपसे मशीन जरूर पूछेगा क्योंकि मशीन ही ये बताती है कि एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कितना अच्छा इंजीनियर है या कितना काबिल है वो पता चलता है मशीन से अब मशीन के अंदर देखिए आपके लिए क्या फंडा है यहां पे अगर मैं थ्योरी की बात करूं बेटा तो थ्योरी के नाम पे आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी क्लास नोट्स ये आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए सफिशियंट रहने वाले हैं इसके अलावा पीवाई क्यू पीवाई क्यू में खास करके बेटा फैक्चुअल क्वेश्चन देखो मैं कितने भी फैक्ट आपके लिए कवर कर दूं लेकिन 100 परसेंट फैक्ट मेरे कोर्स के अंदर कवर नहीं हो सकते हैं तो ऑब्वियसली जितने क्वेश्चन आप लोग करेंगे उतने ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे बाकी प्रैक्टिस के लिए बेटा पिछले लेक्चर में कोई पूछ भी रहा था असाइनमेंट सफिशियंट है क्या असाइनमेंट ठीक है क्लास क्वेश्चन, बैच टेस्ट बैच में जो भी आपके टेस्ट कराए जाएंगे इसके अलावा आप पीवाईक्यू क्यू बुक परचेज कर सकते हैं यहां पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा वाई सी टी यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स उसकी किताब अच्छी होती है बेटर यह है कि जो किताब आप परचेज करें ना ऐसी परचेज करना जिसके अंदर सारे ए जेई के क्वेश्चंस कवर्ड हो

और उतने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से होगी और सत्यम भाई देखो अगर इस का देखो उसमें में है, तो तो यार, उसके क्वेश्चन आते हैं मैंने अच्छा सिलेबस में नहीं लिखा इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है सॉरी तो सिलेबस में मिसिंग था बट आप लेक्चर का प्लान देखेंगे उसमें स्पेशल मशीन इंक्लूडेड है अब स्ट्रेटेजी देखिए आपको क्या रखनी है, है ना आपका यहां पे क्या होगा बेटा मंडे से सैटरडे क्लास चलेगी तो डेली लाइव क्लास आप कीजिए भाई आप डेली लाइव क्लास अटेंड करने पे फोकस कीजिए अब इसके अलावा आपको क्या करना है आपको असाइनमेंट करना है ठीक है नोट्स का पीडीएफ आप रिवाइज करेंगे प्लस मेक हैंड रिटर्न शॉर्ट नोट्स ठीक है पीडीएफ रिवाइज करते समय जो शॉर्ट नोट्स मैं आपको मार्क करा रहा हूं और जो डेटा है स्पेशली जो डेटा मेंशन है पीपीटी के अंदर वो डेटा को आप शॉर्ट नोट्स के अंदर लिखेंगे तो क्या होगा सबसे पहले आप लोग जो है ना नोट्स रिवाइज करेंगे और उसके बाद आप असाइनमेंट को अटेम्प्ट करेंगे और आप क्या कर सकते हैं <coughs> वीकेंड्स पे देखो वीकडेज में तो ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं वीकेंड्स सैटरडे संडे में फिर भी आपको ज्यादा टाइम मिल जाएगा इसमें पीवाई क्यू कर लेना अब देखो जैसे आप बोल रहे हो एसएससी मेंस के पीवा क्यू के लिए बेटा मेंस के पीवा क्यू की किताब आती है दिलीप लेकिन मेंस पहले होता था ना सब्जेक्टिव तो अब सब्जेक्टिव अगर आप किताब ले भी लोगे अब तो पैटर्न बदल गया है नाउ इट इज ऑब्जेक्टिव तो उससे ज्यादा आपको फायदा नहीं होने वाला ठीक है उसमें कोई बहुत ज्यादा फायदा आपको नहीं होने वाला क्योंकि वो सारी किताबें क्या थी आपकी सब्जेक्टिव बताएंगी आपके जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा इस कोर्स के अंदर मैं मेंस लेवल तक के क्वेश्चन कराऊंगा यानी कुछ क्वेश्चन आपको अच्छे भी देखने मिलेंगे जैसे आज आपने नेटवर्क के अंदर देखा ही होगा एक दो क्वेश्चन आपको लगा होगा कि सर जेई लेवल से तो थो थोड़ा ऊपर दिख रहा है क्या इतना पूछते हैं क्या जेई के अंदर वो इसीलिए कि मैं आपको मेंस तक की तैयारी करा रहा हूं जेई एस्पिरेंट भाई अभी देखो मेरा कमिटमेंट एसएससी और आरआरबी का है ना ही एसएससी में ना ही आरआरबी के अंदर आपका एनालॉग डिजिटल आता है लेकिन ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी प्रॉमिस किया जब मैं फ्री हो जाता हूं गेट से देखो जून तक तो आप लोगों के साथ लगूंगा जुलाई से मेरा गेट का वर्कलोड बढ़ जाएगा तो जब मैं गेट से फ्री होता हूं तो मैं आपको कुछ सब्जेक्ट एक्स्ट्रा करा दूंगा लेकिन मेरा प्लानिंग ये है कि जून में मैं आपको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्स्ट्रा करा दूं ठीक है जो कि ना आर के अंदर लिखा हुआ है ना ही एस के अंदर लिखा है बट वो चीज मैं आपको जून के अंदर करा दूं जैसे ही आपका एस का प्रीलिम्स कंप्लीट होता है और बाकी जो सब्जेक्ट आप लोग चाहोगे मे बी कंट्रोल मे बी एनालॉग मे बी डिजिटल मे बी मटीरियल ये चीजें मैं आपको दिसंबर जनवरी और फेब में करा दूं क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन वैसे भी फेब एंड में खत्म हो रहा है ठीक है तो तब तक कोशिश करूंगा कि आपको दो तीन सब्जेक्ट तो एक्स्ट्रा करा ही दू करेक्ट तो ये मेरा टारगेट है तो मैं इसीलिए अभी कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा ये सब्जेक्ट कराऊंगा वो सब्जेक्ट अभी मेरे प्लान में एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बाकी मेरी इच्छा है सारे सब्जेक्ट कराने की तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा मैं आप लोगों के लिए मेहनत करते जाऊंगा चलिए बात क्लियर है किस तरीके से कोर्स को फॉलो करना है भाई चलिए तो अब हम आ जाते हैं ना अपने सबसे पहले टॉपिक पे दैट इज इलेक्ट्रिकल मटेरियल अब देखो इसको एज अ सब्जेक्ट मत समझना कि पूरा इलेक्ट्रिकल मटेरियल कवर करा रहा हूं ना मैं सिर्फ आपको मटेरियल का उतना बेसिक करा रहा हूं जितने बेसिक से आपके ना सवाल बन जाए एग्जाम के अंदर यानी कि आपको जितना मशीन के अंदर मटीरियल का नॉलेज होना चाहिए उतना नॉलेज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर देने वाला हूं ठीक है जी तो देखो यार तीन तरह के मटेरियल देखेंगे कंडक्टिंग मैग्नेटिक, इंसुलेटिंग क्योंकि यही तीन कैटेगरीज के मटेरियल एक मशीन को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं अब कंडक्टिंग देखो कंडक्टिंग मटेरियल दो तरह के हो सकते हैं एक हाई कंडक्टिंग और एक हाई रेजिस्टिविटी हाई कंडक्टिविटी वाले मटेरियल जो कि मशीन में कैरिंग पार्ट बनाते हैं मशीन में करंट कौन कैरी करता है मशीन की कॉइल मशीन की वाइंडिंग तो हाई कंडक्टिविटी मटेरियल के माध्यम से हम मशीन की कॉइल या मशीन की वाइंडिंग को डिजाइन करते हैं इवन पावर सिस्टम के अंदर पावर के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो आपकी ओवरहेड लाइन या अंडरग्राउंड केबल का इस्तेमाल होता है वहां पे भी हाईली कंडक्टिंग मटेरियल यूज होगा यानी जहां करंट कैरी करने की बात आएगी वहां हाई कंडक्टिविटी मटेरियल का इस्तेमाल किया जाएगा अब इसके एग्जाम्पल कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड ये सारे आपके हाई कंडक्टिविटी मटेरियल हैं। यहाँ पे सिल्वर की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है देन गोल्ड देन कॉपर देन एल्यूमिनियम सबसे कम कंडक्टिविटी इन चारों में आपकी किसकी होती है एल्यूमिनियम की होती है और सबसे ज्यादा सिल्वर की अब ऑब्वियसली बात है यार सिल्वर की तार थोड़ी ना बनाएंगे अगर सिल्वर की वायर मैंने लगा दी पावर सिस्टम में तो लोग क्या करेंगे लोग ना उसको खोल के उतार के ले जाएंगे चाहे करंट लग जाए फिर भी कोशिश पूरी करेंगे तो मशीन की वाइंडिंग के अंदर देखिए आपका कॉपर इस्तेमाल होता है और ट्रांसमिशन लाइन के अंदर आपका एल्यूमिनियम इस्तेमाल होता है क्योंकि क्या होता है ना एल्यूमिनियम आपका कॉपर के मुकाबले लाइट वेट होता है और एल्यूमिनियम आपका सस्ता पड़ता है तो लंबी लंबी वायर बनाने के लिए आसानी होती है और मशीन की वाइंडिंग में कॉपर लगता है एल्यूमिनियम सॉरी सिल्वर और गोल्ड आपका नहीं यूज किया जाता है सिंपली इन योर मशीन एंड द पावर सिस्टम हाई रेजिस्टिविटी मटीरियल जैसे एलॉय एलॉय समझते हो क्या होता है एलॉय के अंदर क्या होता है दो या दो से अधिक मटीरियल मिक्स किए जाते हैं अब जब आप दो या दो से अधिक मटेरियल मिक्स करते हो ना तो जब आप मिक्स करोगे तो क्या होगा जो आपका ओरिजिनल बेस मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था नेटवर्क वाले में कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है अब अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर मान लो कॉपर का मटीरियल uh, है उसमें आप कोई बड़ा आइटम लाओगे अब वो बड़ा आइटम जब क्रिस्टल में घुसने की कोशिश करेगा ना क्रिस्टल के शेप को बिगाड़ देगा और क्रिस्टल का अगर शेप बिगड़ा तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने में ज्यादा दिक्कत आएगी क्योंकि रैंडम शेप हो जाएगा इलेक्ट्रॉन चला टक्कर हो गई फिर चला फिर टक्कर हो गई तो वहां करंट आपका कम फ्लो कर पाता है या ये कह दीजिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी हाई हो जाता है रेजिस्टिविटी हाई होने का मतलब बस इतना सा होता है जहां करंट को रास्ते में ज्यादा बाधा मिलेगी या करंट को रास्ते में ज्यादा रुकावट मिलेगी तो आप कहेंगे हाई रेजिस्टिविटी और करंट अगर आराम से फ्लो करेगा देन इट विल बी अ लो रेजिस्टिविटी मटेरियल या हाई कंडक्टिविटी मटेरियल तो जब मटेरियल को मिक्स करते हैं तो इससे क्या होता है एलोय के अंदर आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है ठीक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर आपका डिस्टॉर्ट हो जाता है जिस कारण से आपके इलेक्ट्रॉन्स आसानी से फ्लो नहीं कर पाते हैं अब हाईली कंडक्टिंग मटेरियल की रिक्वायरमेंट क्या होती है तो पहली चीज तो ये होती है बेटा हाईएस्ट पॉसिबल कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी जितनी ज्यादा उतना बेहतर लो टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस तो यहां पे जो अल्फा होता है ना अल्फा होता है टेंपरेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ये लो क्यों होना चाहिए इसका प्राइमरी कारण है बेटा कि अगर अल्फा लो हुआ तो रेजिस्टेंस डज नॉट वेरी मच विद टेम्परेचर तो हम ये नहीं चाहते जैसे मान लो मशीन की वाइंडिंग है वो करंट कैरी करते करते गर्म हो गई तो हम ये नहीं चाहते कि उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाए हम बस क्या चाहते हैं कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ ना बदले तो जितने रेजिस्टेंस के लिए मेरी है, उतने ही रेजिस्टेंस पे उसकी वैल्यू रहनी चाहिए उससे या कम ना हो, भाई आपको वायर बनानी है अगर मटेरियल ब्रिटल है ब्रिटल वो मटेरियल होते हैं जो ठोकने पीटने पे चटक जाते हैं तो फिर आप वायर नहीं बना पाओगे तो वायर अगर बनानी है तो ब्रिटलनेस एबसेंट होनी चाहिए और मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपकी हाई होनी चाहिए कि वायर पे फोर्स लगने से वायर ना टूटे सर वायर पे फोर्स क्यों लगेगा देखो यार जब भी कोई करेंट कंडक्टर होता है ना उस उसपे मैग्नेटिक फोर्स लगता है तो हम बस ये चाहते हैं मैग्नेटिक फोर्स लगने के बावजूद वायर ना टूटे और आपका रियूजेबिलिटी और ड्रॉएबिलिटी होना चाहिए ड्रॉएबिलिटी माने वायर को पतली पतली वायर में ट्रांसलेट करना या वायर को कन्वर्ट करना थिन वायर में ड्रॉ करने का मतलब यही होता है ड्रॉ करने का मतलब बोर्ड पे ड्रॉइंग करना नहीं ड्रॉ करने का मतलब होता है पतली वायर बनाना तो पतली पतली वायर बन सकती हूं ऐसा मटेरियल आपको चुनना होगा ठीक है जिससे आप थिन वायर बना पाए अब देखिए सबसे पहला होता है मटेरियल आपका कंडक्टिंग में कॉपर कॉपर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई होती है और सबसे बढ़िया बात क्या होती है कि ये करोड नहीं होता माने कॉपर को आप खुला छोड़ दो कॉपर के अंदर किसी प्रकार का करोजन नहीं आएगा मैलिएबल है डक्टाइल है यानी इसको पीट करके शीट भी बना सकते हो और चाहो तो ऐसे पतली सी तार भी बना सकते हो तो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर जो वाइंडिंग होती है ना वो आपकी एनील्ड हाईली कंडक्टिंग कॉपर की होती है एनीलिंग का मतलब क्या होता है जहां आप मटेरियल को हीट करके ठंडा करते हो टू गिव अ पर्टिकुलर शेप उसे कहते हैं एनीलिंग, ठीक है? और यहां पे हार्ड ड्रॉन कॉपर वायर का इस्तेमाल होता है क्योंकि हार्ड ड्रॉइंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वायर की मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़ती है अब इसमें मत जाना हार्ड ड्रॉइंग होता क्या एग्जैक्टली वॉट मैटर्स टू अस की हार्ड ड्रॉइंग से मटीरियल की आपकी कैपेसिटी बढ़ जाती है या आपकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ एक तरह से आप कह सकते हो इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ हार्ड ड्रॉइंग बात समझ में आ रही है तो दैट इज वाई हार्ड ड्रॉन कॉपर इज यूज कॉपर के बारे में एक तो ये बात याद रखना हार्ड ड्रॉन वाली और एक करोजन वाली करोजन वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉपर जल्दी करोड़ नहीं होता अब आते हैं एल्यूमिनियम पे एल्यूमिनियम एक ऐसा मटेरियल है बेटा जो नेचर के अंदर ना भर भर के प्रेजेंट है खूब अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है और कॉपर एक ऐसा मटेरियल है जो धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है खत्म होता जा रहा है ठीक है लेकिन क्या होता है एल्यूमिनियम आपका प्योर फॉर्म में अवेलेबल नहीं होता इसको इसकी केमिकल ओर से निकाला जाता है प्रोसेसिंग करके इसकी केमिकल ओर कौन सी होती है बॉक्साइट विच इज अ मिक्सचर ऑफ मोनोहाइड्रेट एंड ट्राईहाइड्रेट एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी कि Al2O3 एल टू ओ थ्री टू एच टू ओ एल टू ओ थ्री थ्री एच टू तो बॉक्साइड को पहले प्योरीफाई किया जाता है फिर इसे क्रायोलाइट के अंदर डिसॉल्व किया जाता है क्रायोलाइट का मतलब डबल फ्लोराइड ऑफ एल्यूमिनियम एंड सोडियम एल्यूमिनियम और सोडियम का फ्लोराइड मटेरियल जो है वो क्रायोलाइट है उसमें बॉक्साइड को डालेंगे तब हम एल्यूमिनियम को रिकवर करते हैं इसका सिल्वर कलर होता है ठीक है चमक होती है लस्चर होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट छ है और इसका लाइट वेट होता है एस कंपेयर टू कॉपर और ये हल्के वजन के कारण ही मेरे बच्चों कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है ओवरहेड लाइन के अंदर क्योंकि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है टावर पे टंगेगी टावर पे टंगेगी तो बहुत भारी वायर को आप टावर पे नहीं टांग सकते हो क्योंकि वहां आपको टावर की मैकेनिकल स्टेबिलिटी भी देखनी है टावर को वायर का पूरा वजन सपोर्ट करना है तो आप कौन सा मटेरियल यूज करेंगे Aluminium, जिसका वेट होता है कम अगर आप उतने रेडियस की कॉपर की तार लगा दोगे ना जितने रेडियस की ट्रांसमिशन लाइन होती है तो ही नीचे आ जाएगा ये डक्टाइल मटेरियल है इसको वायर्स में आप ड्रॉ कर सकते हो ठीक है और इसको केबल और कंडक्टर में यूज करते हैं इसका अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपका काफी हाई होता है पचास मेगा से सत्तर मेगा पास्कल। ये क्या प्रेशर कितना प्रेशर ये झेल सकता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर है इसके ऊपर क्या होता है ना ये ऑक्सीजन से चढ़ जाती है एल टू लेयर की एल टू Al2O3 की लेयर चढ़ने से इस पे करोजन नहीं आता एल टू की लेयर चढ़ने से बेटा इस पे करोजन नहीं आता प्योर एल्यूमिनियम बहुत सॉफ्ट होता है इसीलिए इसमें अदर मटीरियल मिलाए जाते हैं जैसे निकेल, मैग्नीशियम सिलिकॉन और कोबाल्ट जिससे इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ बढ़े और एल्यूमिनियम को हार्ड किया जाता है, से, से. का मतलब क्या होता है भाई कोल्ड वर्किंग का मतलब होता है जहां पे आप बिना हीट किए कुछ भी आप करेंगे प्रोसेस कोल्ड वर्किंग तो एक्चुअली क्या करते हैं पूरा प्रोसेस क्या होता है कि पहले आप इसको हीट कीजिए साढ़े तीन सौ डिग्री तक फिर एयर में आप कूल कीजिए इससे क्या होता है इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है पहले साढ़े तीन सौ डिग्री तक हीट करना है फिर एयर में कूल करना है जिससे मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी बढ़ती है तो एल्यूमिनियम के बारे में आपने क्या क्या जाना भाई नेचर में कार्बन प्रेजेंट नहीं है इसीलिए आप किसकी ओर जा रहे हो का एल्युमिनियम की ओर लेकिन एल्युमिनियम प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता बॉक्साइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है ठीक है तो इसीलिए आप क्या कर रहे हैं बॉक्साइट को पहले प्योरीफाई करते हैं फिर क्रायोलाइट में डालते हैं क्रायोलाइट में डाल के अल्यूमिनियम मिलता है इसका मेल्टिंग पॉइंट साढ़े छह सौ डिग्री सेंटीग्रेड ठीक है इसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ पचास से सत्तर मेगापास्कल ठीक है इसको अदर मटेरियल के साथ मिक्स किया जाता है जिससे कि इसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाए और कोल्ड वर्किंग से भी इसकी हार्डनेस को इंक्रीज किया जाता है तो ये जो डेटा वाले पॉइंट है बेटा अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अब देखो यार मैंने यहां पर ना कंपेरिजन किया है कॉपर और एल्यूमिनियम का अगर कॉपर को मैं रेफरेंस ले ये मत सोचना वन का मतलब है एक रुपए का कॉपर नहीं अगर कॉपर की कॉस्ट को वन माना जाए उसके मुकाबले एल्यूमिनियम की कॉस्ट क्या होती है देखिए कॉस्ट अगर कॉपर की वन है तो एल्यूमिनियम की उससे आधी है क्रॉस सेक्शन एरिया कॉपर में जितना लगता है एल्यूमिनियम में ज्यादा लगता है माने अगर आपको सेम रेजिस्टेंस की वायर बनानी है तो एल्यूमिनियम में मोटी वायर बनानी पड़ेगी ऐसा क्यों देखो एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से ज्यादा है मानते हो कॉपर इज अ बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी कॉपर से अधिक होती है अब आपका रेजिस्टेंस होता है रो एल बाय ए तो आपने बोला रो एल्यूमिनियम का ज्यादा है बट मुझे ना वही रेजिस्टेंस चाहिए जो कॉपर में मिल रहा है तो रो ज्यादा है आपको सेम रेजिस्टेंस चाहिए तो आपको एरिया बढ़ा के लेना पड़ेगा एरिया आपको ज्यादा लेना पड़ेगा इसीलिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एल्यूमिनियम का ज्यादा आता है अगर एरिया ज्यादा है तो एल्यूमिनियम का डायमीटर भी ज्यादा होगा 1.27 कैसे आया इसके एरिया का स्क्वायर रूट ले लिया क्योंकि डायमीटर इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ एरिया या एरिया इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डायमीटर वॉल्यूम उसका ज्यादा आएगा एल्यूमिनियम का ठीक है वेट वेट आपका एल्यूमिनियम का कम होता है और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ भी एल्युमिनियम की कॉपर के मुकाबले कम होती है तो एल्यूमिनियम सस्ता है हल्का है इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल होता है पावर सिस्टम में बट कॉपर बेहतर है भले ही महंगा है कॉपर बेहतर कंडक्टर है स्ट्रोंग कंडक्टर है तो इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रिकल मशीन में तो पावर सिस्टम में कौन सा मटेरियल यूज होगा या पावर सिस्टम कहना गलत होगा ट्रांसमिशन लाइन में कौन यूज होगा एल्यूमिनियम और आपका मशीन में कॉपर देखो यार रोहित आ, ऐसा नहीं है कि अनिलिंग और कोल्ड वर्किंग एक ही चीज होती है क्या होता है हीट करके शेप देने के बाद ठंडा करने के कई प्रोसेस होते हैं जैसे क्वेंचिंग क्वेंचिंग में एकदम से ठंडा किया जाता है अनिलिंग धीरे धीरे ठंडा किया जाता है कोल्ड वर्किंग एयर के माध्यम से आप ठंडा कर रहे हैं तो ऑल ऑफ द मेथड्स आर द हीट ट्रीटमेंट मेथड ऑफ अ मेटल सभी मेथड में आप हीट ट्रीट कर रहे हो मेटल को उसके बाद ठंडा कर रहे हो ठंडा किस प्रकार से कर रहे हो इस हिसाब से अलग अलग मेथड्स आपके बन जाते हैं ठीक है बात क्लियर हुई हैंड रेस किया है भाई अमित और शिवांशु ने कोई क्वेश्चन है तो बताओ ऑडियो पे लूंगा या अगर गलती से हो गया है तो जाने देंगे बताइए अब अगला मटेरियल होता है बेटा कंडक्टिंग मटेरियल जो कि मशीन के अंदर इस्तेमाल होता है इज़ योर कार्बन ठीक है कॉपर एल्यूमिनियम के अलावा कार्बन का भी इस्तेमाल किया जाता है अब कार्बन से कैसा मटेरियल बनता है बेटा या तो ग्रेफाइट आप लेके चलते हो या कार्बन के और किसी फॉर्म का आप इस्तेमाल करते हो कार्बन की कंडक्टिविटी मेटल और अलॉय से कम होती है इसी कारण से कार्बन से वाइंडिंग कभी नहीं बनाई जाएगी आप ऐसा कभी भी नहीं सुनोगे कि किसी मशीन की वाइंडिंग या पावर सिस्टम में ट्रांसमिशन लाइन कार्बन से बनी है ना कार्बन सिर्फ काम आता है ब्रशेस बनाने के, तो ब्रश कार्बन को ग्रेफाइटेड किया जाता है अब ग्रेफाइटेड करने का मतलब क्या होता है कि जिस कार्बन मटीरियल से आप ब्रश बना रहे हो उसे आप हीट कीजिए हीट करने से क्या होता है मटीरियल एक्सपैंड करता है मटेरियल एक्सपैंड करता है तो उसके अंदर खाली स्पेसेस बढ़ जाते हैं खाली स्पेसेस बढ़ने से फायदा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से आसानी से ट्रेवल कर सकता है और जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन प्रपोगेट करेगा उतनी ही ज्यादा कंडक्टिविटी आपको देखने मिलेगी तो अगर आप चाहते हो कि आपका मटेरियल ज्यादा कंडक्टिंग हो तो आपको इलेक्ट्रॉन के कोलिजन को कम करना है और कोलिजन कम करने का एकमात्र रास्ता क्या है कार्बन को आप हीट कर दें कार्बन जो ग्रेफाइट होता है ना बेटा ग्रेफाइट मटेरियल कैसे अरेंज्ड होता है ऐसे लेयर बाय लेयर होता है ग्रेफाइट मटेरियल टू लेयर लेयर बाय की तरह अरेंज्ड होता है तो जब आप हीट करोगे तो ये लेयर्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ेगी और लेयर्स के बीच की स्पेसिंग बढ़ेगी तो इसके बीच में से इलेक्ट्रॉन आसानी से पास कर जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी और इसमें जितनी ज्यादा स्पेस होगी जितनी ज्यादा खाली स्पेस होगा किसी मटेरियल में वो उतना ही सॉफ्ट होगा तो उसका हार्डनेस कम हो जाएगा ब्रशेस का जो है ना बेटा सरफेस स्मूथ होना चाहिए जिससे वियर एंड टीयर कम हो जैसे आप ऐसे समझ लो साइकिल के ब्रेक साइकिल के ब्रेक जब साइकिल की रिम पे रगड़ते हैं तो उससे क्या होता है ब्रेक आपका घिसता है बट आप वहां पे ब्रेक को रफ चाहते हो क्योंकि आपका पर्पज ही क्या है कि ब्रेक रगड़ाएगा ही तब जब साइकिल पे ब्रेक लगाना है लेकिन जब आप मोटर जनरेटर में ब्रशेस का इस्तेमाल करते हो तो ब्रशेस का काम होता है मोटर या जनरेटर से करंट लेना या उनको करंट देना यानी कि रगड़ के फ्रिक्शन बना के रोकना है मोटर को वो काम ब्रश का नहीं है भाई तो इसीलिए इसका सरफेस चिकना होना चाहिए ताकि ये कम से कम फ्रिक्शन लगाए वरना अगर ब्रशेस बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लगाएंगे तो आपके शाफ्ट को घूमने में बड़ी तकलीफ होगी घूमने में बड़ी दिक्कत आने वाली है और घूमने में दिक्कत आएगी तो एनर्जी का खर्चा ज्यादा होगा लॉसेस ज्यादा होंगे जिससे एफिशिएंसी आपकी एकदम कम हो जाएगी तो आप क्या चाहते हो सरफेस स्मूथ होना चाहिए दूसरी बात पता है क्या होती है मान लो आपने ब्रशेस बना दिए होते कॉपर या एल्यूमिनियम के अब मशीन के अंदर मेटेलिक पार्ट है ब्रश भी आपका मेटल है जब मेटल पे मेटल रगड़ता है तो चिंगारी निकलती है स्पार्किंग पैदा होती है अब अगर आप कोई ऐसे इंडस्ट्री में मोटर का इस्तेमाल कर रहे हो मान लो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री है और वहां मोटर में चिंगारी पैदा होने लग जाए तो पूरे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में आग लग सकती है इसीलिए स्पार्किंग मिनिमाइज करना होता है जिस कारण से आप ये चाहते हैं कि ब्रशेस आपके जितने स्मूथ हो उतना अच्छा फ्रिक्शन जितना कम हो उतना बेहतर और इससे कम्यूटेटर का भी वियर एंड टीयर कम होता है कम्यूटेटर क्या है ये आगे समझेंगे डीसी मशीन के अंदर कम्यूटेटर पे ब्रशेस जुड़े होते हैं अगर ब्रशेस ज्यादा फ्रिक्शन देंगे तो घिसेगा तो कम्यूटेटर भी अलोंग विद द ब्रशेस तो हम नहीं चाहते कम्यूटेटर में हमारा कोई नुकसान आए कार्बन का टेंपरेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होता है टेंपरेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव होने का मतलब होता है टेंपरेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटना टेंपरेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस घटना तो क्या होता है अगर कार्बन से जाने वाला करंट बढ़ेगा करंट से लॉस बढ़ेंगे आई स्क्वायर आर आई स्क्वायर आर से टेम्परेचर बढ़ेगा टेम्परेचर से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा अगर मेरे भाइयों रेजिस्टेंस कम हो गया तो I इंटू आर का वोल्टेज ड्रॉप ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा जिसका मतलब क्या हुआ कि ब्रश का ड्रॉप आप कांस्टेंट मान के चलते हैं ब्रश का ड्रॉप आप कांस्टेंट मान के चलते हैं सर हाई करंट लो वोल्टेज के लिए कॉपर की ब्रश क्यों बनाते हैं देखो कॉपर की ब्रश नहीं बनाते प्रशांत भाई आपको मिस इन्फॉर्मेशन है कार्बन कॉपर यानी कार्बन के मैन्युफैक्चरिंग में कॉपर थोड़ा सा ऐड कर देते हैं क्योंकि ब्रशेज में एक ही ड्रॉबैक होता है बेटा कि यहाँ पे कंडक्टिविटी कार्बन की कम है तो कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं उसमें कॉपर ऐड कर देते हैं तो कॉपर ऐड कर देने से कंडक्टिविटी बढ़ गई रेजिस्टेंस कम हो गया रेजिस्टेंस कम हो जाने से ब्रश का वोल्टेज कम हो जाएगा तो आप ब्रश का वोल्टेज कम क्यों करना चाहते हो सिंपल रीजन ब्रश पे जितना ज्यादा ड्रॉप आएगा या जितना वोल्टेज आएगा उतना ही कम वोल्टेज आपको जनरेटर से बाहर मिलेगा क्या होता है जैसे मैंने आपको नेटवर्क के लेक्चर में समझाया था ई और पोटेंशियल डिफरेंस तो अंदर तो वोल्टेज ज्यादा बनती है बाहर आते आते कम हो जाती है तो अगर ब्रशेज में ड्रॉप आ रहा है तो उससे वोल्टेज आपकी घट रही है तो आप चाहते हो कम से कम ड्रॉप हो तो बड़ी मशीन के अंदर आप कार्बन में थोड़ा सा कॉपर भी मिला देते हो जिससे वोल्टेज ड्रॉप आपका मिनिमाइज हो जाता है ठीक है बात समझ में आ गई भाई प्रशांत हम्म कार्बन का पर्पस क्लियर हुआ कार्बन का पर्पस क्लियर है भाई अब आते हैं मैग्नेटिक मटेरियल अब बेटा मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में मैग्नेटाइज हो पाए मैग्नेटाइज हो पाने का मतलब क्या होता है जैसे मैंने किसी मटेरियल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड लगाई और उसके अंदर के मैग्नेटिक डायपोल अरेंज हो गए वेदर पैरल और एंटी पैरल टू द फील्ड चाहे तो फील्ड के दिशा में चाहे तो फील्ड की दिशा से अपोजिट बट अरेंज हो गए एक डायरेक्शन के अंदर तो हम कहेंगे मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया यानी जिन मटेरियल्स पे मैग्नेटिक फील्ड का असर पड़ता है या जो मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्ड करते हैं उन मटेरियल को हम कहते हैं मैग्नेटिक मटेरियल तो क्या होता है ऐसे मटेरियल खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं खुद की मैग्नेटिक फील्ड भी बना सकते हैं जैसे आपने बचपन में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा यार एक ऐसा होता था ना एक कॉइल लगाते थे

वो खुद भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे या खुद मैग्नेटिक फील्ड बनाने लग जाए ऐसे मटीरियल कहलाते हैं मैग्नेटिक मटीरियल मैग्नेटिज्म आता क्यों है देखो जब एक साइंटिस्ट ऑयस्टेड नाम के साइंटिस्ट ने मैग्नेटिज्म की डिस्कवरी की ना तो उन्होंने क्या बताया मैग्नेटिज्म आता है करंट के कारण और करंट क्यों आता है चार्जेस के मोशन के कारण अब आप ये सोचो हर एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो लगातार गोल गोल घूम रहा है ना न्यूक्लियस के अराउंड अगर वो लगातार गोल गोल घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड मेरे भाई तो वहां पे करंट फ्लो कर रहा है करंट फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिज्म तो तो बनेगा ही बनेगा ही तो इसीलिए हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट होती है दो तरह की मैग्नेटिक मोमेंट होती है एक होती है ऑर्बाइटल जहां इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में गोल गोल घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ एक होती है स्पिन स्पिन का मतलब क्या होता है जैसे हमारी पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूम रही है तो ये ऑर्बाइटल और, और पृथ्वी अपनी एक्सेस पे भी गोल गोल घूम रही है उसे कहेंगे स्पिन तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ठीक है इस दा स्पिन. इस स्पिन. तो ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट किसी भी एटम के अंदर किसी मटेरियल के अंदर बन रहा है ना ये बाहर वाली फील्ड से इंटरेक्ट करता है या ये कह दो ये बाहर वाली फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है तो जब ये बाहर वाली फील्ड को रिस्पॉन्ड करता है तभी बेटा आपको मैग्नेट का मैग्नेटिक बिहेवियर नजर आता है या किसी मटेरियल का मैग्नेटिक बिहेवियर आपको देखने मिलता है ठीक है अब मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के हो सकते हैं मैग्नेटिक मटेरियल देखो कई तरह के होते हैं डाया पैरा फेरी और एंटी फेरो ठीके? और मैग्नेटिक इफ़ेक्ट किसी भी मटेरियल के बाहर तब देखने मिलता है जब उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर परमानेंट मैग्नेटिक मोमेंट होता है यानी अगर कोई मटेरियल ऐसा है जिसके डायपोल परमानेंटली अलाइंड हैं तब उस सिचुएशन के अंदर वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और मटेरियल के बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड आती हुई नज़र आएगी मटीरियल के बाहर आपको मैग्नेटिक फील्ड नज़र आएगी अगर उस मटीरियल के डाइपोल्स आपके अलाइंड हैं पहला होता है डाया मैग्नेटिक मटीरियल डायमैग्नेटिक मटीरियल है वीक फॉर्म ऑफ मैग्नेटिज्म यानी कमजोर मैग्नेटिज्म है यहां पे क्या होता है यहां पे आपका ना कोई डाइपोल बना हुआ नहीं होता ठीक है जब आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई मैग्नेटिक फील्ड एच से दिखाते हैं जब आपने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई तो इसके अंदर कोई डायपोल भी प्रेजेंट नहीं था नो मैग्नेटिक डायपोल्स प्रेजेंट ठीक है लेकिन जब आपने बेटा फील्ड लगा दी डाया मैग्नेटिज्म में जब आपने फील्ड लगा दी मान लीजिए आपने राइट right में लगाई फील्ड तो ये जितने भी एटम है ना आपके इनके अंदर अब डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा यानी पहले से डाइपोल नहीं बन रहा था पहले से नॉर्थ पोल साउथ पोल नहीं बन रहा था अगर डाइपोल में कंफ्यूजन हो रही है डाइपोल माने मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल पहले नहीं था अब आ जाएगा और किस डायरेक्शन में आ जाएगा अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड ये जो डायपोल की डायरेक्शन है ना ये होती है साउथ से नॉर्थ तो ये आ जाएगा अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो हमने कमजोर क्यों बोला क्योंकि भाई ये तभी तक दिखता है मैग्नेटिज्म जब तक आप फील्ड लगा के रखो अगर आप फील्ड लगाओगे ना तो उसको अपोज करने के लिए डायपोल मोमेंट आएगा तो डाईपोल्स आर इंड्यूस्ड ऑपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड तो अपोजिट आ जाते हैं एक्सटर्नल फील्ड जिस भी तरफ लगाओगे उसके अपोजिट साइड आपके सारे के सारे डाइपोल्स आ जाएंगे तो इसी कारण से ये एक्सटर्नल फील्ड से ऐसे मटेरियल रिपेल होते हैं क्योंकि दे आर अपोजिंग द फील्ड ये फील्ड के सेम डायरेक्शन में नहीं है बेटा तो ये आपके रिपेल होते हैं विद द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो वीक मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है कि व्हेन एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव्ड द डाइपोल्स वैनिश वैनिश माने गायब हो जाते हैं तो ये तभी तक नजर आते हैं बेटा जब तक फील्ड लगाओगे अगर आपने फील्ड लगाई तो आपका विरोध करने ही आ जाएंगे आपने फील्ड हटा डाली वो अपने अपने घर चले जाएंगे रिलैक्स हो जाएंगे अब देखो यहां पे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि डाया मैग्नेटिक मटीरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ये कितना मैग्नेटाइज हो सकता है That is negative. Negative क्यों होती है भाई नेगेटिव इसलिए क्योंकि यहां पर डायपोल आपके अपोजिट डायरेक्शन में गए टू द मैग्नेटिक फील्ड तो डाइपोल अपोजिट डायरेक्शन में जाने के कारण आपकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव आती है अब रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है रिलेटिव परमिबिलिटी जानते हो मीआर सुने हो कभी उसकी वैल्यू होती है वन प्लस का आई एम तो वो लेस देन वन होती है तो किसी भी मीडियम की परमिएबिलिटी क्या होती है म्यू नॉट म्यू आर ये होती है म्यू नॉट क्या होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम कह दो या एयर कह दो ये होती है परमियबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस अब ये देखिए यहां पे पोलैरिटी माने की बेटा साउथ से नॉर्थ ये ये इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं है कि माइनस प्लस होगा यहाँ नॉर्थ साउथ होता है मैग्नेटिक डायपोल है ना जैसे मान लो ये एक डाया मैग्नेटिक मटीरियल है अब यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी होती है म्यू नॉट एच यहां पे होती है म्यू नॉट म्यू आर एच क्योंकि एयर में तो म्यू नॉट एच ही होगी अब बी इन साइड म्यू नॉट एच से तो कम आ जाएगा ना क्योंकि म्यू आर इज लेस देन वन जैसा हमने बोला यहां म्यू आर लेस देन वन आता है क्योंकि कायम नेगेटिव है तो ये फील्ड म्यू नॉट एच से कम आएगी अगर म्यू नॉट एच से कम आ रही है फील्ड इन साइड मटीरियल इज रिड्यूस्ड सर ये रिड्यूस क्यों हुआ लॉजिक आप यहां से भी सोच सकते हो बेटा जब ये डायपोल्स ने एक्सटर्नल फील्ड को अपोज किया ठीक है अपोज किया तो मेरे बच्चों क्या हुआ नेट मैग्नेटिक फील्ड आपका कम हो गया मैग्नेटाइजेशन का मतलब बेटा यही होता है कि जो आपके डाइपोल अलाइन हो जाते हैं ना एक दिशा में इस पूरे प्रोसेस को मैग्नेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है तो फील्ड आपका मटेरियल के अंदर दूर है तो इसीलिए जो फील्ड लाइंस हैं, मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से दूर जाती हुई क्योंकि आपका फील्ड कम हो गया तो ये जो बी होता है ना बी क्या होता है बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होता है बी क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो कि बेसिकली क्या बताता है ये बताता है क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इसीलिए तो जब हमने बोला कि बी का वैल्यू कम हो गया मटीरियल के अंदर तो फील्ड लाइन आपकी दूर हो गई बी ज्यादा होता है तो फील्ड लाइन करीब आती है बी आपका कम होता है तो फील्ड लाइन दूर जाती है तो बताइए यहां तक बात समझ में आई यहां तक सभी को बात समझ में आई कोई डाउट है तो बताइए ठीक है कोई डाउट है तो बोलिए भाई जल्दी से बोलो लेट मी हैव वाटर इन द मेन टाइम आप लोग बताओ अगर कोई क्वेरी है ऋषिकेश भाई देखो कभी भी दो फील्ड लाइन एक साथ नहीं आ सकती हैं दे कैन नेवर टच ईच अदर और कायम का मतलब क्या होता है ना देखो अब अगर डिटेल में जाना चाहोगे तो कायम बताता है मैग्नेटाइजेशन अपॉन द एक्सटर्नल फील्ड मैग्नेटाइजेशन का मतलब देखो मैग्नेटाइजेशन एक तो प्रोसेस है प्रोसेस क्या है जहां आपके सारे डाइपोल एक दिशा में अलाइन होते हैं उस प्रोसेस को हम मैग्नेटाइजेशन कहते हैं मैग्नेटाइजेशन एक क्वांटिटी भी होती है जो ये बताती है कि टोटल डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम कितना है।, अब है, HK. HK है तो रेशो आपका नेगेटिव आएगा रेशो आपका नेगेटिव आएगा, आएगा डायपोल मोमेंट और एच का अब भाई देखो फॉर्मूले की डेरिवेशन में नहीं जाएंगे मैंने पहले भी बोला था एसएससी या कोई भी ए जेई की आप लोग तैयारी करें तो आप प्लीज डेरीवेशन के पीछे ना भागे क्योंकि ये जानकर के हम लोग कैसे क्या करेंगे कि म्यूआर का फॉर्मूला वन प्लस का कैसे आया। समझ रहे है ना हमारे लिए हमारे काम की बात ही नहीं है इसमें तो कोई कि म्यूआर जो है वन प्लस एम कैसे आया डिराइव करने बैठे तो वो उसका डेफिनेशन है रिलेटिव परमिबिलिटी का दैट म्यूआर इज वन प्लस एम करने के लिए मैं डिराइव कर सकता हूं मुझे कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी इसमें लेकिन यार उसके लिए ना मुझे दस क्वांटिटी और समझानी पड़ेगी मैग्नेटाइजेशन का बेसिक मीनिंग बताना पड़ेगा आप लोग को फिर मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड की मदद से फ्लक्स डेंसिटी निकालनी पड़ेगी तब मैं आपको दिखा पाऊंगा कि जो है वन प्लस का अगर कभी मैंने आपको इलेक्ट्रिकल मटीरियल का कोर्स कराया तो मैं आपको ये डिराइव करा दूंगा ठीक है बट मशीन के अंदर आई डोंट थिंक इट्स नेसेसरी चलिए क्लियर हो गया यहां तक बताइए भाई सभी लोगों को क्लियर है जल्दी से बोलो इसके एग्जाम्पल भी लिखवा देता हूं कॉपर जर्मेनियम सिलिकॉन डायमंड सुपर कंडक्टर जो भी सुपर कंडक्टर होते हैं वो भी आपके डायमैग्नेटिक की तरह बिहेव करते हैं ठीक है चलिए अगले मटेरियल पे आते हैं बेटा पैरा मैग्नेटिक पैरा मैग्नेटिक मटीरियल में भी वीक फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है या मैग्नेटिज्म होता है यानी भी तभी तक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड रहती है आप इसके पास से मैग्नेटिक फील्ड हटा दीजिए इसका मैग्नेटिज्म नष्ट हो जाएगा खत्म हो जाएगा तो जब तक इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिज्म है या मैग्नेटिक फील्ड है तब तक यह भी मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो जब आपके पास फील्ड नहीं होती है तो इसका मैग्नेटाइजेशन या टोटल डायपोल मोमेंट आपका जीरो आता है तो इसमें क्या होता है डायपोल आपके प्रेजेंट तो होते हैं जैसे डायमैग्नेटिक में तो प्रेजेंट ही नहीं थे यहां डाइपोल आपके प्रेजेंट होते हैं बट रैंडम दिशाओं में होते हैं और जब फील्ड लगती है तो सारे डाइपोल एक ही दिशा में अलाइन हो जाते हैं तो देखो पहले ना रैंडम डायरेक्शन होंगी ऐसे आ गया कोई कोई नीचे आ गया कोई ऐसे चला गया या रुको ये तो हो गया ना कोई ऐसे चला गया कोई आपका ऐसे चला गया कोई आपका ऐसे चला गया ठीक है कोई आपका इस टाइप से आ गया। तो ये रैंडम है बाहर से आपने कोई फील्ड नहीं लगाई तो आपके डाइपोल रैंडम है अब जब आप फील्ड लगा देते हैं तो मेरे बच्चों ये सारे डाइपोल ना इस बार फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होते हैं अब की बार सब कुछ फील्ड के डायरेक्शन में आता है ये डायग्राम्स जो है ना इनकी मदद से हमको याद रह जाता है तो अब की बार देखो यहाँ पे मैग्नेटाइजेशन जो है वो पैरल टू एच है शिवानी बेटा देखो मैग्नेटाइजेशन जो है वो पैरल टू एच है तो कायम यहाँ पे पॉजिटिव आता है ठीक है मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है नेट डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम तो यहाँ पे काइएम आपका पॉजिटिव आता है और म्यूआर वन से हल्का ज्यादा आता है क्योंकि काइएम पॉजिटिव तो होता है लेकिन बहुत छोटा होता है तो म्यूआर यहां पर वन से अधिक आता है जैसे वहां पे म्यूआर वन से छोटा आया था तो ना यहां ज्यादा आएगा अब देखिए क्या होता है अब की बार ये म्यू नॉट एच से ज्यादा होगा क्योंकि आपका म्यू आर वन से बड़ा है देयर फोर बी इंक्रीजेस इनसाइड अ मटीरियल फ्लक्स डेंसिटी मटीरियल के अंदर बढ़ रही है और बी क्या रिप्रेजेंट करता है क्लोजनेस ऑफ लाइंस तो फील्ड लाइंस बिकम क्लोजर थोड़ा थोड़ा पास आ जाती हैं ज्यादा तो नहीं बट थोड़ा थोड़ा पास आ जाती हैं तो देखो यहां पे जो मैंने आपको दिखाया ये दिखाया है डाया मैग्नेटिक इसने फील्ड लाइंस को दूर फेंक दिया और ये है पैरा मैग्नेटिक जिसने फील्ड लाइन्स को पास बुला लिया इसके अंदर आपकी फील्ड लाइन बहुत पास पास आ गई ठीक है यह बात क्लियर हो गई तो डाया मैग्नेटिक में फील्ड लाइन दूर चली जाती है पैरा मैग्नेटिक में फील्ड लाइन आपकी पास आ जाती है अब यहां पे इसका एग्जाम्पल क्या होता है पोटेशियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम टंगस्टन, रेयर अर्थ मेटल रेयर अर्थ मेटल माने जो अर्थ पे रेयरली पाए जाते हैं सोडियम कैल्शियम ये सब सब पैरामैग्नेटिक में आते हैं बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि एल्यूमिनियम पैरामैग्नेटिक है और कॉपर डायमैग्नेटिक है इफ वी मेक कंडक्टर कोल्ड इट्स रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हिच इंक्रीजेस द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऋषिकेश भाई देखो ये कहना तो कायदे से गलत है क्योंकि जब मटेरियल सुपर कंडक्टर की ओर जाता है ना तो वो डायमैग्नेटिक बन जाता है तो कायदे से उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो जाती है बट ये सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया होगा वो भी मैं बता देता हूं कि अगर आप टेम्परेचर घटाते हो तो रेजिस्टेंस घटता है रेजिस्टेंस घटने से किसी भी कंडक्टर में करंट ज्यादा जाएगा करंट ज्यादा जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा बनाएगा ऑब्वियसली तो ये आपके क्या हो जाते हैं भाई पैरा मैग्नेटिक मटीरियल समझे ना पैरा मैग्नेटिक में क्या हो रहा है फील्ड लाइंस आपकी पास आ रही हैं और डाया मैग्नेटिक में क्या हो रहा था फील्ड लाइंस हमारी दूर जा रही थी अगला होता है बेटा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक कौन से होते हैं जिनमें मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बावजूद मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बावजूद उसके अंदर डाइपोल्स uh, तुम्हारे अलाइंस रह जाते हैं डाइपोल तो देखो पैरा में भी थे बिना मैग्नेटिक फील्ड के पैरा में भी डायपोल्स थे बट वो डाइपोल रैंडम थे Ferro में क्या होता है कि होते हैं और वो एक ही दिशा में अलाइंड होते हैं इवन इन द मैग्नेटिक फील्ड ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं फेरो मैग्नेटिक मटीरियल अब फैरो मैग्नेटिक मटीरियल में फैरो मैग्नेटिज्म आया कहां से सर हाउ टू फाइंड एनी एलिमेंट इज डाया मैग्नेटिक और पैरा मैग्नेटिक भाई आप उसे मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दो रिपेल हुआ तो पैरा सॉरी और अट्रैक्ट हुआ तो पैरा किसी मैग्नेट के पास ले आओ ना सुनो अब फैरोमैग्नेटिक मटीरियल्स में फेरो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती कहां से इनके अंदर ना ढेर सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं सर ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा जब हम केमिस्ट्री के अंदर किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं ना तो हम एक एक पॉइंट पे या फिर ये कहलो, एक, -एक, एक, एक, में में एक, एक ठीक है तो हर दो इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होता है इसको एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी हम लोग कहते हैं तो यहां पे जब बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो उनका स्पिन कैंसिल आउट नहीं होगा जब भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाते हैं ना देखो तो आप ऐसे दिखाते हो स्पिन तो यहां पे स्पिन कैंसिल्स। मैंने बताया था ना मोमेंट दो कारण से बनती है एक ऑर्बाइटल मोशन न्यूक्लियस के अराउंड घूमना और एक अपनी एक्सेस पे घूमना अपनी एक्सेस पे घूमने को क्या कहते हैं स्पिन अगर सिर्फ एक होगा तो स्पिन डज नॉट कैंसिल तो क्या होता है आप ऐसा समझिएगा जो दो इलेक्ट्रॉन आजू बाजू होते हैं ना साथ साथ होते हैं वो दोनों अपोजिट घूमते हैं एक क्लॉकवाइज गुण घूमेगा तो एक आपका एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल आउट कर देते हैं लेकिन अगर डाइप आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही नहीं होंगे एक ही इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो उसका मैग्नेटिज्म कैंसिल आउट नहीं होगा तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म देखने मिलता है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपके अनपेयर्ड होते हैं अगर पीरियडिक टेबल में देखें ये कौन से मटेरियल होते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट इसके एग्जाम्पल है आयरन कोबाल्ट निकेल डिस्प्रोजियम और गैडोलिनियम जी और डीवाई क्या है जी माने गैडोलिनियम और डीवाई माने डिस्प्रोजियम डिस्प्रोजियम इसकी ससेप्टिबिलिटी भाई काइएम जीरो से बहुत अधिक होती है और इसका म्यूआर बहुत ही ज्यादा होता है हजार से पांच हजार तक आप कह सकते हो बहुत हाई होता है तो बी जो होता है दिस इज मच मच ग्रेटर देन म्यू नॉट एच तो यहां पे क्या होगा फील्ड लाइंस कम वेरी क्लोज टू ईच अदर फील्ड लाइंस जो है ना आपस में बहुत ही करीब आ जाएंगी वेरी क्लोज टू ईच अदर ठीक है तो पैरोमैग्नेटिक मटेरियल आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड तो देखो डाया मैग्नेटिक तो रिपेल होता है पैरा मैग्नेटिक में हल्का हल्का अट्रैक्शन है पैरों में बहुत तेज अट्रैक्शन है जैसे आप किसी मैग्नेट के पास आयरन का पीस ले आओ वो तुरंत उसको खींच लेगा तो वो आयरन का पीस क्या है आयरन का पीस आपका है मैग्नेटिक। पैरा मैग्नेटिक में डाइपोल इसी कारण से होता है पैरा मैग्नेटिक में भी स्पिन के कारण होता है लेकिन पैरा में क्या होता है यहां पे ना लेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं और डाया में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिससे नो स्पिन डायपोल मोमेंट किसी प्रकार से स्पिन डायपोल मोमेंट नहीं बनता है यहां पे बनता ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट कौन सा डायपोल मोमेंट आता है यहां पे ऑर्बिटल ऑर्बाइटल डाइपोल मोमेंट ठीक है ऑर्बाइटल समझ रहे हो ना ऑर्बिट में घूमने वाले को ऑर्बाइटल कह रहे हैं तो देखो यार ये मटेरियल कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे कि यहां पे देखिएगा जब H0 था तो नो डाइपोल प्रेजेंट फिर H आया तो इसमें ऑर्बिटल डायपोल मोमेंट अपोजिट टू एच इसकी डायपोल मोमेंट एच के अपोजिट गई पैरा मैग्नेटिक में एच जीरो पे रैंडमली ओरिएंटेड डायपोल्स और यहां पे डायपोल्स अलाइंड पैरल टू एच यहां पे फेरो में डाइपोल पहले से अलाइंड होते हैं और फील्ड लगाने पे डाईपोल्स अलाइंड पैरेलल टू एच ठीक है पैरल टू एच तो ये फंडा होता है आपका तीनों तरह के मटेरियल्स में आप मुझे बताओ यहां तक अगर कोई क्वेरी है भाई या चलो पहले एक आध कॉन्सेप्ट और बता देता हूं फिर लेंगे क्वेरी तो देखो अगर कोई मटेरियल नहीं है मेरे भाई तो आपकी फील्ड लाइन जो है ना सीधी सीधी चली जा रही है अगर कोई मटेरियल नहीं रखे हो तो फील्ड लाइंस आपकी सीधी सीधी जा रही हैं अगर आपने डाया मैग्नेटिक रखा तो यहां पे क्या हुआ फील्ड लाइंस मूव अवे डाया मैग्नेटिक मटीरियल एक तरह से फील्ड लाइंस को रिपेल करता है तो फील्ड लाइंस मूव अवे फेरो मैग्नेटिक में फील्ड लाइंस कम वेरी क्लोज फील्ड लाइन बहुत पास आ जाएंगी पैरा मैग्नेटिक में फील्ड लाइंस कम क्लोज लेकिन फेरो जितना नहीं फील्ड लाइंस पास तो आएंगी लेकिन फेरो जितना नहीं ठीक है तो ये आपका अलग अलग मटेरियल का बिहेवियर होता है व्हेन केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड आप देखो फेरो की सबसे बड़ी खासियत होती है ना बेटा उसका बीएच कर्व बीएच कर्व में क्या होता है यहां पे बी जो होता है आपका यहां पे बी जो होता है ना आपका ये है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बी और यहां पे एच है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या इसको मैग्नेटाइजिंग फोर्स भी कहते हैं ठीक है अब ये कर्व आपका लीनियर नहीं आता क्या होता है जब आप पहली पहली बार मटेरियल आपने फ्रेशली आयरन अभी अभी आपने मैन्युफैक्चर किया उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो एच बढ़ाने से आपका ग्राफ ऐसे जाएगा एच बढ़ाने से आपका ग्राफ ऐसे जाएगा इसे कहते हैं वर्जिनल कि जब किसी मटेरियल पे पहली पहली बार किस मटेरियल पे फेरो मैग्नेटिक पे जब किसी फेरो मैग्नेटिक की जिंदगी में पहली पहली बार मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है तो उसका वेरिएशन बीच वाले कर्व की तरह नजर आता है ऐसे नजर आता है ऐसे नजर आता है ठीक है अब एक समय के बाद बेटा सेचुरेशन आ जाता है सेचुरेशन आने का क्या मतलब है इसके बाद अगर आप और फील्ड लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे बी आपका कांस्टेंट हो गया अब आप कितना भी एच बढ़ा लीजिए बी नहीं बढ़ सकता भैया जितने डायपोल मेहनत कर सकते थे उन्होंने कर ली है और उन्होंने जब मेहनत कर ली है वो अलाइन होगा या फील्ड के अपोजिट अब वो सॉरी फील्ड के पैरल अब वो कह रहे हैं देखो भाई इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा इतने में तुम्हारा काम चलता हो बहुत बढ़िया नहीं चलता हो तो और भी बढ़िया तो डाइपोल्स ने गिव अप मार दिया सेचुरेशन में जाके गिव अप मार दिया जैसे कभी कभी पढ़ते पढ़ते आप लोगों का दिमाग सेचुरेट हो जाता होगा फिर आप कितना भी इनपुट लो आपका दिमाग रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ऐसे ही आप इस मटेरियल पे कितना भी एच लगाइए बी पे असर नहीं आएगा अब क्या होता है अब आप एच को घटाना स्टार्ट करते हैं अब आप देखिए अब आप क्या करते हैं आप ना एच को घटाना स्टार्ट करते हैं ये देखो जब आप एच को घटाते हो ना जब आप एच को घटाते हो तो ये वाला ग्राफ आपका फॉलो होता है तो इस ग्राफ में एच आपका डिक्रीजिंग है मैंने ये लिखा है एच डिक्रीजिंग है लेकिन जब आप एच को जीरो करते हो ना तो बी जीरो नहीं आता ये देखिए आप एच को जीरो कर दिए आपने एक्स वाली वैल्यू को जीरो कर दिया बट वाई में जीरो नहीं मिला पहले तो देखो शुरुआत तो जीरो जीरो से हुई थी ना एच जीरो था तो बी भी जीरो था आपने एक बार मैग्नेटाइज किया ये बन गया अब आपने आपने क्या किया मैग्नेटिक फील्ड घटाना शुरू किया कैसे कर रहे होगे मान लो आपके पास एक आयरन का निडल था आप इसके पास मैग्नेट लाए तो ये मैग्नेटाइज हो गया यानी इसके डाइपोल अलाइन हो गए अब आप मैग्नेटिक फील्ड को कम करना शुरू करते हैं कैसे ये पास रखे मैग्नेट को दूर ले जाते हैं लेकिन जब बहुत दूर चला जाता है एच आपका जीरो हो जाता है तो भी आपका बी जीरो नहीं होता यानी अगर आपने वहां से मैग्नेट को हटा भी दिया तब भी उस निडल के अंदर कुछ मैग्नेटिज्म बचेगा उसे कहते हैं रिटेंटिविटी यानी इसने मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लिया रिटेन कर लिया अब आप क्या करते हैं अब आप उल्टा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं अच्छा बेटा आपने मैग्नेटिज्म को रिटेन कर लिया उसे कैंसिल करने के लिए उल्टा मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो तो कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा जिस पे जाकर के आप यह कह सकते हैं कि मेरा जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाए, उसे कहते हैं को आपने एच को जीरो किया मैग्नेटिज्म नहीं खत्म हुआ तो आपको कितना एच नेगेटिव या उल्टा लगाना पड़ेगा मैग्नेटिज्म को खत्म करने के लिए दैट इज कोअर्सिविटी अब आप H उल्टी दिशा में लगाते हो ये उल्टी दिशा में मैग्नेटाइज होता है होता है होता है सैचुरेट कर जाता है दूसरी दिशा में भी सैचुरेट करेगा ही भाई एक समय के बाद डायपोल कहेंगे भाई अब हमसे ना हो पाएगा अब आप कहते हो अच्छा जी सैचुरेट कर गया चलो फिर वापस चलो अब जब आप वापस जाते हो तो आप एच बढ़ाते हो अब आप वापस जाते हो तो आप एच बढ़ाते हो लेकिन आप क्या देखते हो कि एच जीरो करने पर अब भी बी जीरो नहीं हुआ अब की बार नेगेटिव हो गया लेकिन जीरो नहीं हुआ तो ये भी क्या है रिटेंटिविटी है रिटेंटिविटी पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव है पहले पॉजिटिव क्यों थी क्योंकि h को आप पॉजिटिव से जीरो पे लाए थे अब नेगेटिव क्यों है आप h को नेगेटिव से जीरो पे लेके गए हो फिर आप कहते हो अच्छा इतना मैग्नेटिज्म बच गया इसे काटने के लिए आप h अपोजिट लगाते हो यानी पॉजिटिव लगाते हो ये नेगेटिव है ना तो h आपने पॉजिटिव लगाया तो जितने एच पे जाके मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए वो क्या है कुवर्सिविटी वो क्या है कुवर्सिविटी आप और आगे जाओगे सेचुरेट कर जाओगे तो ये कहलाता है पूरा कर्व ये क्या कहलाता है पूरा कर्व तो जब मटेरियल पहली पहली बार मैग्नेटाइज होता है तो ये डॉटेड वाला कर्व चलता है और बाद में ऊपर वाला चलेगा कब जब एच को घटाओगे और नीचे वाले का चलेगा कब जब एच को आप बढ़ाओगे एच को बढ़ाओगे तो नीचे वाला कर्व चलता है ऐसा ग्राफ सिर्फ फेरो मैग्नेटिक में देखा जाता है एच जीरो करने पे जितना बी बचता है रिटेंटिविटी बी को जीरो करने के लिए जितना उल्टा एच लगाना पड़ेगा दैट इज कोर्सिविटी, दैट इज कोअर्सिविटी बिल्कुल सही बात है रोहित भाई फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करते हैं ठीक है फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे समझ में आया ग्राफ Curve तो बहुत से लोग दिखाते हैं लेकिन ग्राफ का मीनिंग समझ में आया एक एक पॉइंट का बताइए अब रिटेंटिविटी का मतलब क्या होता है भाई कि डाइपोल अलाइनमेंट के कारण जब आप मैग्नेटिक फील्ड रिमूव भी कर देते हो तो भी कुछ ना कुछ फ्लक्स डेंसिटी बच जाती है क्योंकि डायपोल तब भी अलाइंट रह जाते हैं जैसे मान लीजिए कि आपके कॉलेज में एक मार्चिंग परेड कराई गई अब जब तक टीचर था तो बच्चे एकदम एक लाइन में चल रहे थे एकदम एक साथ चल रहे थे टीचर के जाने के बाद भी अगर बच्चे वैसे ही लगे रह गए तो उसे हम कहेंगे रिटेंटिविटी या रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या बोलेंगे रेसिडुअल फ्लक्स डेंसिटी या फिर रिटेंटिविटी कि टीचर के जाने के बावजूद वो पैटर्न जो बना था डाइपोल का वो पैटर्न आपका वहीं का वहीं रह गया ये कैसे मिलता है कर्व का वाई इंटरसेप्ट देख के वर्जिनल कर्व का मीनिंग तो मैंने बता ही दिया जब कोई मटेरियल पहली पहली बार मैग्नेटाइज होगा तो जिस कर्व को वो फॉलो करेगा और का मतलब क्या है? कितना मैग्नेटिक फील्ड आपको लगाना पड़ेगा टू मेक बी इक्वल टू जीरोसिविटी कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा टू मेक बी इक्वल टू जीरो तो देखो जब भी कोई मटेरियल्स में बात करेगा ना फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक के तो वो बात तब तक अधूरी है जब तक वो रिटेंटिविटी और कुअर्सिविटी पे चर्चा ना करे ठीक है रिटेंटिविटी और कुअर्सिविटी पे चर्चा ना करे तब तक वो बात अधूरी है तो कुअर्सिविटी इंडिकेट्स हाउ हार्ड इट इज टू तो मैग्नेटाइज और डी अ अटीरियल किसी मटीरियल के अंदर मैग्नेटिज्म जगाना या उसके मैग्नेटिज्म को खत्म करना कितना डिफिकल्ट है वो बताती है उसकी कोर्सिविटी तो जिस मटेरियल की कोर्सिविटी हाई होती है ना तो उसको मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज़ करना उतना ही मुश्किल होता है बात क्लियर है तो जो मटेरियल आसानी से मैग्नेट बन जाए वो क्या होगा वो होगा आपका लेस कोअर्सिविटी वाला और जो दिक्कत करेगा वो आपका ज्यादा कोअर्सिविटी वाला होगा सर लूप लार्ज या स्मॉल किस फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा वो मटेरियल पे डिपेंड करता है ये अलग अलग मैग्नेटिक uh, मटेरियल के लिए लूप का शेप और साइज अलग अलग होता है तो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल आप इस्तेमाल करो दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल स्ट्रॉ मैग्नेटिक फील्ड एरिया ऑफ एक्चर लूप शुड बी लार्ज नहीं ऐसा कुछ नहीं है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये होगा कि ये जो हाइट है ना ग्राफ की हाइट ऊपर होनी चाहिए जितनी ज्यादा ऊंची हाइट होगी उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है उसके एरिया से मतलब नहीं है ठीक है एरिया का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है या क्या सिग्निफिकेंस होता है आगे समझोगे अब अगला आता है बेटा डोमेन थ्योरी क्या होता है हमने ये बोला कि किसी भी मैग्नेट के अंदर सॉरी या फेरो मैग्नेटिक मटीरियल के अंदर मैग्नेट हटा देने के बावजूद भी उसके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है आप एक काम करें आप किसी आयरन के पीस को नहीं नहीं परमिएबिलिटी इज वन ऑफ द फैक्टर्स यार मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक जैसे मटेरियल की परमिबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक है इंद्रजीत ऐसे ये ग्राफ भी उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ही है और जब फेरो मैग्नेटिक मटीरियल की बात करते हैं तो परमियबिलिटी कॉन्स्टेंट नहीं हो सकती उनकी परमियबिलिटी बी ग्राफ का स्लोप होती है यहां तो हर पॉइंट पे स्लोप आपका बदल रहा है तो कायदे से परमिएबिलिटी भी आपकी चेंज हो रही है ठीक है अब सुनिएगा आप एक काम करें आप एक आयरन का पीस ले उसे मैग्नेट के पास ले जाएं वो मैग्नेटाइज हो जाएगा अब उसे साल भर रख के छोड़ दें साल भर रख के छोड़ दें अब आप साल भर बाद अगर देखोगे तो क्या उसमें मैग्नेटिज्म बचेगा नहीं अब ये मैग्नेटिज्म गया कहाँ ऐसा क्यों हुआ बचना तो चाहिए था रिटेंटिविटी तो होनी चाहिए थी ठीक है रिटेंटिविटी तो होनी चाहिए थी अब क्या होता है एक्चुअली कि डाइपोल आपके अलाइंट तो रहते हैं मैग्नेट हटाने के बाद लेकिन सारे डाइपोल एक दिशा में अलाइंड नहीं रहते हैं ग्रुप में बट जाते हैं जैसे बच्चों का मैंने एग्जाम्पल लिया मार्चिंग किया बच्चों ने मार्चिंग करने के बाद टीचर गया तो बच्चे अलाइंड रहे लेकिन अपने अपने ग्रुप्स में डिवाइड हो गए अपने फ्रेंड सर्कल के अनुसार अलाइंड रहे तो यानी बच्चे तो अलाइंस हैं एक डायरेक्शन में लेकिन कई सारे ग्रुप बन गए और ये ग्रुप्स आपस में अलाइंड नहीं है पहले सौ बच्चे एक ही डायरेक्शन में थे अब ये दस दस बच्चों के दस ग्रुप बन गए हर ग्रुप के अंदर देखोगे तो बच्चे अलाइंड है लेकिन ये जो ग्रुप्स आपस में है ये आपस में एक दूसरे से रैंडम है ऐसा हमें एक साइंटिस्ट ने बताया जिनका नाम था वीस तो इन्होंने क्या बोला कि मैग्नेटिक मोमेंट इन द इंडिविजुअल डोमेन आर ऑल पैरल टू वन अनदर वेन टेम्परेचर इज लेस देन क्यूरी टेम्परेचर ईच डोमेन इज मैग्नेटिकली सैचुरटेड एंड इट हैज नेट मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट इन ईच डोमेन वेरीज हर डोमेन का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अलग अलग डायरेक्शन में है जिससे ओवरऑल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका जीरो हो जाता है और जब आप क्यूरी टेम्परेचर के जब आप क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर जाते हैं तो डायपोल आपके रैंडम हो जाते हैं और जिससे आपका मटेरियल फेरो से पैरा बन जाता है ठीक है तो यहां पे क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर मटेरियल जो है ना फेरोमैग्नेटिक मैग्नेटिक मटीरियल पैरा मैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगता है अब मैं आपको इसको विजुअलाइज कराता हूं यहां कहना क्या चाह रहा हूं देखो भाई तुम लोगों की जो क्वेरीज हैं थोड़ा टाइम रुक जाओ इस लेक्चर के एंड में मैं लेता हूं अगर फिर भी बच गई तो बचेंगी नहीं क्योंकि जो चीजें तुम लोग अभी पूछ रहे हो ना वो सारी चीजें तुम्हारी क्लियर हो जाएंगी आने वाले टॉपिक्स में तुम बातें पूछ रहे हो आगे की इसलिए अभी अपने सवालों को थोड़ा सा थाम के बैठो सारे सवालों के जवाब तुमको इस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगे ठीक है देखो वीस ने क्या बोला कि एक पूरा मटेरियल जो है ना जैसे सौ बच्चों का ग्रुप है उसको ना आप दस दस के ग्रुप में डिवाइड कर लो तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप बनाए ना इनको उन्होंने नाम दिया डोमेन इन्होंने क्या बोला कि हर डोमेन के जो डाइपोल हैं, वो तो एक ही डायरेक्शन में है हर डोमेन के डाइपोल एक ही डायरेक्शन में है लेकिन भिन्न भिन्न डोमेन्स जो हैं उनके डायपोल अलग अलग डायरेक्शन में है यानी एक ग्रुप के सभी लड़के एक ही जैसी सोच रखते हैं लेकिन अलग अलग ग्रुप के लड़कों की सोच तो अलग अलग हो सकती है ये कौन कह रहा है कि सारे ग्रुप्स की सेम ही होगी या फिर ऐसा बोलो कि एक ग्रुप के बच्चों को मान लो एक तरह का स्पोर्ट्स पसंद है बट ऐसे दस ग्रुप बन गए दसों को अलग अलग स्पोर्ट्स पसंद है तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आप ये नहीं कह सकते ये पूरे सौ बच्चों में कोई भी स्पोर्ट कॉमन है आप ऐसा नहीं कह सकते बट एक एक ग्रुप के अंदर झांक के देखोगे तो बिल्कुल कॉमन है भाई क्यों नहीं कॉमन है बिल्कुल पॉसिबल है तो ऐसे रैंडम दिशाएं बन जाती हैं यार जिनका नेट आपका जीरो हो जाता है अगर आप एक डोमेन के अंदर देखें तो आपको नेट नजर आता है भाई इस टाइप से इन्होंने क्या नाम दिया बेटा इस चीज को दिस इज द डोमेन तो हर डोमेन के अंदर अलाइनमेंट है और ये जो डोमेन की बाउंड्री है इसको बोला वॉल और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो पहले तो आपने एच को जीरो रखा कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी अब जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाई जैसे ही टीचर आया मैदान पे वापस तो सारे बच्चे वापस से अलाइन हो जाएंगे टीचर के अनुसार समझ रहे हो ये होता है फेरोमैग्नेटिक में तो यहां पे हमें ये भी समझ आ गया अगर आयरन के पीस को साल भर रख दिया जाए तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म क्यों हो जाता है और जबकि साइंटिस्ट कहते हैं कि फेरोमैग्नेटिक में रिटेंटिविटी होती है तो ये रिटेंटिविटी दिखती कहां है तो रिटेंटिविटी हर डोमेन के अंदर नजर आती है बट ओवरऑल मटेरियल अगर आप लोगे तो आपको उसमें रिटेंटिविटी नहीं नजर आएगी लॉजिक क्लियर है कि ये थ्योरी क्यों इंपॉर्टेंट थी ताकि जो साइंटिफिक थ्योरी है उसको हमारी जनरल लाइफ से रिलेट कर पाए आई होप दिस इज क्लियर टू एवरी वन देखो सारे डायपोल अलाइन हो गए ना ये देखो जब एच लगाओगे तो सारे अलाइन हो जाएंगे अगला होता है बेटा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन ये भी आपका देखा जाता है फेरो मैग्नेटिक मटीरियल में इसका मतलब क्या होता है जब एक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं ना मेरे बच्चों तो उसकी डायमेंशन बदलती हैं तो जब आप एक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल पे इफ यू अप्लाई द मैग्नेटिक फील्ड द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक मटीरियल इज द मैग्नेटोस्ट अब मान लीजिए आपने ऑल्टरनेटिंग फील्ड लगा दी आपने एसी करेंट से फील्ड बनाई अगर एसी करेंट से फील्ड बनाओगे तो फील्ड कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव तो मटीरियल कभी एक्सपैंड करेगा कभी कॉन्ट्रैक्ट करेगा एक्सपैंड करेगा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहां से मटेरियल के अंदर ऑसिलेशन आती हैं और अगर ये ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज में आया यानी ऑडियो रेंज में आया तो हमको सुनाई देगा जो कि हमें सुनाई देता है हमिंग साउंड की तरह जो कि हमें कैसे सुनाई देता है हमिंग साउंड की तरह बेटा सुनाई देता है हमको तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर ऑल्टरनेटिंग फील्ड आपकी लगाई जाती है इसीलिए ट्रांसफॉर्मर के अंदर आपको हमिंग साउंड सुनाई देता है समझे उसके पीछे कौन सा फिनोमिना है नाम याद रखिएगा मैग्नेटोस्ट्रिक्शन अगला होता है फेरी मैग्नेटिक मटीरियल ठीक है देखो दोनों में समझिएगा क्या होता है एंटी फेरो और फेरी एंटी फेरो में देखो क्या होता है जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो ना तो डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल तो जाते ही हैं, बट आधे डाइपोल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट भी जाते हैं यानी आधे डाइपोल सेम डायरेक्शन में और बाकी आधे आपके अपोजिट ठीक है तो ये आपका एंटी फेरो का किस्सा होता है तो यहां पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट क्या, क्या हो जाएगी नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी जीरो और वहीं फैरी में क्या होता है फैरी में भी देखो ऐसे ही होता है आधे डाइपोल पैरेलल, आधे एंटी पैरेलल। लेकिन क्या होता है ना दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता यानी जितने पैरेलल और जितने एंटी पैरेलल दोनों बराबर मात्रा में नहीं होते हैं जिस कारण से क्या होता है कि यहां पे नेट मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो आती है ठीक है नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉन जीरो ये होता है फैरी में ये होता है एंटी फेरो देखो ये जो फेरी मैग्नेटिक होते हैं ना इनको आप फेराइट भी कहते हो कैसे मिलता है ये देखिए कैसे मिलता है बिल्कुल लैब के अंदर मशीन रबर सरफेस पे रखी जाती है जिससे कि ऑसिलेशन डैम्प आउट हो जाए डाउट्स के लिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा रुक जाओ डाउट बताता हूं अब सुनिएगा फेरी मैग्नेटिक के लिए क्या करते हैं रिप्लेस आयरन बाय मैंगनीज इन फेरोमैग्नेटिक ठीक है इससे क्या बनता है फैरी मैग्नेटिक फेरी मैग्नेटिक का जो है ना वीक मैग्नेटिज्म होता है तो सर क्यों बना रहे हैं इसकी एक खासियत होती है बेटा कि इसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है इसकी रजिस्टिविटी बहुत हाई होती है रजिस्टिविटी हाई होने से क्या होता है एडी करेंट लॉसेस इसके लो होते हैं तो ये कहां पे इस्तेमाल होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है देखो जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी होगी जैसे कॉम्युनिकेशन है ना कॉम्युनिकेशन में किलो हर्ट मेगा हर्ट्स में फ्रीक्वेंसी होती है तो जहां हाई फ्रीक्वेंसी होगी वहां एडी करेंट लॉस बहुत ज्यादा हो सकता है तो उसे कम करने के लिए रजिस्टिविटी हाई रखते हैं रजिस्टिविटी हाई किसकी मदद से होती है फेरी मैग्नेटिक मटीरियल की मदद से तो अगर आप कॉम्युनिकेशन वाला ट्रांसफॉर्मर बना रहे हैं तो फेरी मैग्नेटिक का इस्तेमाल कीजिए और अगर आप बना रहे हैं ट्रांसफॉर्मर मशीन वाला पावर सिस्टम वाला तो फेरो मैग्नेटिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं बात क्लियर हुई अगला होता है बेटा हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। अब ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं ये वो मटेरियल होते हैं बेटा जिनकी परमिबिलिटी हाई होती है लॉस कम होता है कोअर्सिविटी कम होती है कोअर्सिविटी कम होने का मतलब है ऐसे मटेरियल्स को मैग्नेटाइज करना और डीमैग्नेटाइज करना आसान है तो इनका जो बी एच आता है या है वो लॉन्ग होता है बट नैरो बट से चढ़ता है क्योंकि विड्थ कम है ना विड्थ कम है तो हाइट जो होगा बहुत तेजी से गेन करेगा स्टीपली असेंडिंग तो ये इजी टू होते हैं मैग्नेटाइज बट ये डी मैग्नेटाइज भी उतनी ही जल्दी हो जाते हैं ठीक है थिके? तो यहां पे क्या होता है बेटा यहां पे प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज रैपिडली रैपिड व्हेन इट इन्वॉल्व मूविंग द डोमेन वॉल्स सो दैट फेवरेबली ओरिएंटेड डोमेन कैन ग्रो वाइल अनफेवरेबल कैन श्रिंक तो क्या होता है जो मैंने अभी आपको डोमेन बताया ना मैग्नेटाइजेशन इसमें रैपिड क्यों होता है मैंने आपको डोमेन बताया जो डोमेन पहले से फील्ड के डायरेक्शन में है इनको हम बढ़ाते जाते हैं ये बड़े होते जाते हैं और जो डोमेन फील्ड के अपोजिट है या फील्ड से अलाइंस नहीं है वो छोटे होते जाएंगे ओवरऑल कहने का मतलब ये हुआ भाई कि ये जो हैं ये रोटेट करके फील्ड की डायरेक्शन में आने लगेंगे तो आपको क्या लगेगा इस डायरेक्शन वाला डोमेन बढ़ता जा रहा है आप ये देखिए ये सारे डाइपोल राइट right में आ रहे हैं तो मैं ये भी तो कह सकता था राइट right में जाने वाला जो डोमेन था वो बड़ा हो गया आप ये सोचिए ना ये बॉर्डर हटा दो ये काली वाली लाइनें हटा दो आपको क्या लगेगा कि ये वाला डोमेन आपका बढ़ता गया बढ़ता गया बहुत बड़ा हो गया और बाकी जो रैंडम वाले डोमेन थे वो श्रिंक करते करते खत्म हो गए ये भी तो कह सकते हो बट प्रैक्टिकली हो क्या रहा है प्रैक्टिकली मेरे बच्चों क्या हो रहा है कि सारे डाइपोल रोटेट करके रोटेट करके आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहे हैं तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ना बेटा दे आर द एग्जांपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट माने जहां पे आप चाहते हो कि करंट के आधार पे आपको मैग्नेटिज्म नजर आए अगर करंट फ्लो करता है तब मैग्नेटिज्म नजर आए तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट तो मशीन्स के अंदर यही यूज होते हैं ठीक है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल कौन से होते हैं भैया जिनका हिस्टेरेसिस कर बहुत चौड़ा होता है तो यहां पे क्या होता है ये रिटेंशन इनका बहुत ज्यादा होता है इनका कोवर्सिविटी इतना ज्यादा होता है कि एक बार इनके अंदर मैग्नेटिज्म चला गया तो उस मैग्नेटिज्म को खत्म कर पाना हमारे लिए बहुत टफ हो जाता है इसीलिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के काम में आते हैं तो इनके बी एच कर्व का जो एरिया होता है बेटा वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल और यहीं पे यहीं पे जो बी एच कर्व होता है और हिस्टेरे कर इज ऑलमोस्ट रेक्टेंगुलर ठीक है दिखाता हूं कैसे तो मशीन में कौन से मटेरियल यूज होंगे भाई सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल ये फेरो मैग्नेटिक के ही दो टाइप है सॉफ्ट और हार्ड देखो इस टाइप का कर्व दिखता है समझे इस टाइप का आपका कर्व नजर आता है ये हो जाता है रेक्टेंगुलर हिस्टेरेसिस कर्व तो देखो हार्ड वाले का कोअर्सिविटी कोअर्सिविटी हार्ड वाले का ज्यादा है यानी इसे डीमैग्नेटाइज करना आसान नहीं है और ये सॉफ्ट वाले का कोअर्सिविटी कम है ठीक है समझ में आया दोनों तरह के मटेरियल का फर्क बताइए अब जेई एस्पिरेंट पूछ रहे हैं सर क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है बेटा क्यूरी नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि अगर एक अगरियल को भी अच्छे से गर्म कर दिया जाए तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है तो वो कैसे खत्म हो जाता है क्योंकि वो पैरा मैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है और पैरा मैग्नेटिक की खासियत क्या होती है कि उसके सारे डाइपोल रैंडम रहते हैं तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाते हो बढ़ाते जाते हो फेरो मैग्नेटिक मटीरियल का तो उसके डायपोल्स के पास ताकत आ जाती है एनर्जी आ जाती है जिससे कि वो रैंडम दिशाओं में ओरिएंट हो जाते हैं और वहां पे जो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म था या रिटेंटिविटी थी वो खत्म हो जाती है उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं ठीक है तो एक काम करते हैं ना यहां पे ना आप ये वाला शॉर्ट नोट्स में मत डालो ऐसा मत करो आप ये डाल लो शॉर्ट नोट्स में ज्यादा अच्छा रहेगा और आपने ये टेबल डाल लो कंपैरिज़न वाली तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल रिटेन कर लेते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी इनके अंदर मैग्नेटिज्म रहता है ये आपके इजी टू मैग्नेटाइज डी मैग्नेटाइज है टेम्परेरी मैग्नेट बनाने के काम में आते हैं एग्जाम्पल इलेक्ट्रोमैग्नेट और मशीन्स ठीक है अब इनको कैसे करते हैं बेटा प्रिपेयर कैसे किया जाता है जो भी मटेरियल है उसे रिक्वायर्ड तक हीट करो फिर क्वेंच करो. क्वेंच करो माने सडन कूलिंग ठीक है तो इंप्योरिटीज जो होती है इनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाती है और इससे डोमेन्स जो है आपके डिसरप्ट नहीं हो सकते मूव नहीं कर सकते यहां पे कोई वर्ड या कोई इंप्योरिटी नहीं रहती है कभी भी इसका हिस्से लॉस कम होता है इसका ज्यादा होता है तो लॉस इज प्रपोर्शनल टू एरिया ऑफ लूप तो इसीलिए जिसका लूप का एरिया ज्यादा उसका लॉस भी ज्यादा आप लोग पूछ रहे थे ना लूप के एरिया का महत्व वो हिस्चे लॉस बताता है यहाँ पे सरसेप्टिबिलिटी परमिएबिलिटी कम होती है यहां पे बहुत हाई होती है फोर्स और रिटेंटिविटी लार्ज होता है यहाँ रिटेंटिविटी आपका कम होता है यहां मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा होगी यहां मैग्नेटिक एनर्जी नहीं स्टोर होती है यहां पे बीएच का प्रोडक्ट हाई होगा यहां बीएच का प्रोडक्ट स्मॉल होगा यहां एडी करंट लॉस हाई होगा यहां एडी करंट लॉस आपका सॉफ्ट मटेरियल में कम आएगा तो ये डिफरेंसेस अगर आपको पता है तो इससे रिलेटेड थ्योरी थ्योरी क्वेश्चन आप कर सकते हो हाँ परमानेंट मैग्नेट भी फेरो मैग्नेटिक मटीरियल से बनाए जा सकते हैं देखो प्रियंका परमानेंट मैग्नेटिक एप्लीकेशन है बेटा इट इज नॉट अ मटीरियल मटीरियल आपके डाया पैरा फेरो फेरी ये सारी चीजें जो हैं आपकी मटीरियल हैं संदीप भाई देखो नेक्स्ट लेक्चर के शुरुआत में अगर इतनी थ्योरी रिवाइज कराऊंगा तो पूरा ही लेक्चर निकल जाएगा उसमें बात समझ रहे हो अगर कोई फॉर्मूला वगैरह होते हैं वो तो रिवाइज कराना बड़ा आसान होता है जैसे मैं ये आपको बता सकता सता कि कल हमने डाया पढ़ा पैरा पढ़ा फेरो पढ़ा ये चीजें तो मैं बोल सकता हूँ लेकिन फैरो के अंदर ये पॉइंट हमने पढ़े पैरा के अंदर क्या क्या पॉइंट हमने पढ़े वो सारी चीजें रिवाइज कराने का मतलब है लेक्चर में कम से कम नहीं तो फास्ट भी जाएंगे तो आधे पौने घंटे का इजाफा यानी आधा पौना घंटा और ज्यादा लगेगा ठीक है इसीलिए तो कह रहा हूं कि शॉर्ट नोट बनाओ ताकि तुम एक बार नहीं मल्टीपल टाइम रिवाइज करो अब देखो जब ट्रांसफॉर्मर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना तो शीट के फॉर्म में स्टील को मोल्ड किया जाता है स्टील की शीटें बनाई जाती हैं उन शीटों को जोड़ने से ट्रांसफॉर्मर का कोर आपका बनता है तो सबसे पहले कौन सा मटेरियल यूज होता था सिंपल स्टील होता था आयरन के साथ जिसमें लो कंटेंट ऑफ कार्बन आप डालते थे या थोड़ी बहुत अदर इंप्योरिटी आप डालते थे लेकिन क्या होता था जैसे जैसे मटेरियल की उम्र बढ़ती थी पुराना होता जाता था तो बेटा इसकी मैग्नेटिक परफॉर्मेंस और खराब होती जाती थी इसकी कोर्सिविटी बढ़ती जाती थी इसका हिस्टरेसिस लॉस बढ़ता जाता था आज की डेट में ट्रांसफॉर्मर या मशीन का कोर जो बनता है वो बनता है सिलिकॉन स्टील से जहां सिलिकॉन का कंटेंट वैरी करता है पॉइंट तीन परसेंट से लेके साढ़े चार परसेंट स्टील बनाते टाइम आप कितना कंटेंट डालते हो सिलिकॉन का पॉइंट तीन परसेंट से साढ़े चार परसेंट बाय वेट माने कि वेट का पॉइंट तीन से साढ़े चार परसेंट तक वेट आपका सिलिकॉन का होगा सिलिकॉन डालने से क्या फायदा होता है हिस्टरे लॉस कम होते हैं रजिस्टिविटी बढ़ती है और रजिस्टिविटी बढ़ने से एडी करेंट लॉस कम होते हैं लेकिन एट द सेम टाइम बेटा सिलिकॉन से परमिबिलिटी भी थोड़ी सी आपकी घट जाती है डक्टिलिटी आपकी थोड़ी सी घट जाती है यानी मटेरियल को शेप देना आसान नहीं रह जाता मटेरियल चटकने का उसके अंदर क्रैक पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं इसीलिए यहाँ पे आप साढ़े चार परसेंट के ऊपर नहीं जाते वरना मटेरियल इतना ज्यादा ब्रिटल हो जाएगा ना कि मटेरियल तुरंत आपका चटक जाएगा और यहाँ पे आप चाहो तो हॉट रोलिंग कर सकते हो या कोल्ड रोलिंग यानी शीट का शेप देने के लिए आप चाहे तो स्टील को गर्म करके उस पर रोलर चला सकते हो या तो ठंडी शीट पे ही रोलर चला सकते हो समझ रहे हो रोलिंग करते टाइम आप चाहो तो गर्म कर लो मटेरियल को और चाहे तो ठंडा रहने दो तो आज की डेट में सिलिकॉन स्टील इस्तेमाल होता है अगर कोई आपसे कहे सिलिकॉन क्यों डाला तो फोर्थ नंबर पॉइंट इंपॉर्टेंट है साढ़े चार परसेंट से ज्यादा क्यों नहीं डाला कि भाई मटेरियल ब्रिटल हो जाता है तो उसको शेप देना मुश्किल होता है अब जो कमर्शियली यूज किया जाता है मटेरियल उसको कहते हैं सीआरजीओ स्टील सीआरजीओ का फुल फॉर्म कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील अब नाम में लिखा है देखो कोल्ड रोल्ड यानी यहां पे कोल्ड रोलिंग आपकी की जाती है तो ऐसा क्यों कर रहे हो क्योंकि आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो बहुत हाई फ्लक्स डेंसिटी या बहुत हाई बी तक ऑपरेट कर पाए विदाउट सेचुरेशन यानी बी का वैल्यू हम जितना चाहे उतना हाई लगा लें बट ये सेचूरेट ना करे ऐसा मटेरियल बनाने के लिए हम बना रहे हैं सीआरजीओ स्टील क्या होता है अगर आप स्टील को गर्म करके रोलर चलाओगे तो उसके जितने भी क्रिस्टल रहेंगे ना वो अलग अलग दिशाओं में ओरिएंटेड रहेंगे तो कोई एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई वाई के डायरेक्शन में कोई जेड के डायरेक्शन में तो यहां पे आपको जो है ना म्यू आपको हर जगह यूनिफॉर्म मिलेगा लेकिन अगर आप कोल्ड रोलिंग करते हैं ठंडे स्टील पे अगर आप रोलर चलाते हैं तो ठंडे स्टील पे फोर्स लगाने से क्या होगा इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर बिगड़ेगा ठीक है जैसे मान लीजिए स्टील इस है इसको बिना गर्म किए आपने रोलर चलाया रोलर चलाने से क्या होगा इसके जितने भी क्रिस्टल हैं वो सारे के सारे रोलिंग डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे जिस कारण से रोलिंग की दिशा में परमियबिलिटी ज्यादा हो जाएगी माने इस डायरेक्शन में परमियबिलिटी ज्यादा इस डायरेक्शन में कम ऊपर नीचे z में भी कम बस एक डायरेक्शन में परमियबिलिटी ज्यादा हो जाती है इसको हम कहते हैं कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील ठीक है तो इसमें क्या करते हैं बार बार कोल्ड रोलिंग करते हैं फिर गर्म करके ठंडा करते हैं फिर कोल्ड रोलर चलाते हैं, फिर गर्म करके ठंडा करते हैं तो यहां पे क्या होता है भाई कि जिस डायरेक्शन में आप रोलर चलाते हो ना उस डायरेक्शन की परमिबिलिटी आपकी हाई होती है यह चीज ध्यान रखिएगा तो इससे क्या होता है एक डायरेक्शन आपको ऐसी मिल जाती है जिसमें आपको ज्यादा फायदा है लास्ट चीज होती है बेटा इंसुलेटिंग मटेरियल ये क्यों इंपॉर्टेंट है इंसुलेटर सर मशीन के अंदर देखो दो तरह के हिस्से होते हैं कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जैसे कॉइल है है वाइंडिंग जो करंट कैरी करेगी कुछ हिस्से होते हैं जिनमें करंट 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 नहीं नहीं जाना चाहिए। body, नहीं जाना चाहिए चाहिए जैसे मशीन मशीन की की बॉडी बॉडी में तो जो हिस्से कैरिंग और जो हिस्से नॉन कंडक्टिंग है उन्हें आपस में सेपरेट रखने के काम में आते हैं इंसुलेटिंग मटीरियल क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए हाई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसका मतलब क्या है हाई डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ का इसका मतलब ये होता है मेरे भाई कि मटेरियल शुड नॉट ब्रेक डाउन एट हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना इंसुलेटर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे ना बहुत बार बेचारे गिवअप मार देते हैं और अपने अंदर से करंट को जाने देते हैं तो जितना ये करंट को रोक के रखते हैं ना बेचारे हाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे पिघल जाते हैं और करंट को अलाउ कर देते हैं तो वो हाई होना चाहिए डायलैक्ट्रिक स्ट्रेंथ की जल्दी ब्रेक डाउन ना हो रेजिस्टेंस ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा तो, तो करंट नहीं फ्लो करेगा लो हिस्टेरेसिस आप एक चीज समझिएगा जैसे हिस्टेरेसिस लॉस होता है ना मैग्नेटिक मटेरियल में ऐसे ही इंसुलेटर में डायलैक्ट्रिक हिस्टेरेसिस होता है यहां पे जो कर्व बनता है ना वो डी वर्सेस ई का बनता है जैसे बी वर्सेस एच होता है यहां डी वर्सेस ई का कर्व बनता है इसको हम लोग कहते हैं डायलेक्ट्रिक लॉस क्या बोलते हैं जैसे वहां इस लॉस बोलते हो यहां डायलेक्ट्रिक लॉस बोला जाता है वो कम रहना चाहिए गुड थर्मल कंडक्टिविटी की थर्मल कंडक्टिविटी माने हीट कैरी करने की काबिलियत अब देखो कोई भी मशीन है जब करंट फ्लो करेगा वो काम करेगी तो गर्म तो होगी तो हम ये चाहते हैं मटेरियल ऐसा हो कि अंदर जो हीट पैदा हो रही है उसे बाहर लाके एटमॉस्फेयर में रिलीज करा दे इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी हाई होनी चाहिए कि हीट को जमा ना होने दे हीट को फ्लो करा के बाहर निकाल दे हाई थर्मल स्टेबिलिटी इसका मतलब कैन हैंडल हाई टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे डैमेज ना हो जाए ठीक है फिर नॉन हाइग्रोस्कोपिक यानी वाटर एब्जॉर्ब ना करे वाइब्रेशन से फर्क ना पड़े एब्रेशन यानी चोट लगने से फर्क ना पड़े बेंडिंग से फर्क ना पड़े मुड़ने से भी फर्क ना पड़े नॉन हाइग्रोस्कोपिक बेटा? अगर इसने पानी कर लिया मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया तो पानी कंडक्टिंग होता है तो फिर इसके अंदर से करंट फ्लो करने की संभावना बनेगी जो मैं नहीं चाहता केमिकल से सुरक्षित रहे कोई भी केमिकल इसको नुकसान ना पहुंचा पाए और ये क्यों यूज किया जाता है टू इंसुलेट द वाइंडिंग फ्रॉम द कोर कोर मटेरियल का काम होता है मशीन में मैग्नेटिक फील्ड कैरी करना कोर में करंट नहीं जाना चाहिए करंट सिर्फ किस में फ्लो करता है वाइंडिंग में तो हम इसीलिए क्या चाहते हैं इसीलिए हम चाहते हैं कि जो मटेरियल है उसका जो है कंडक्टर uh, और आपका नॉन कंडक्टिंग पार्ट के बीच में इंसुलेटर डाल दिया जाए ठीक है भाई समझ में आया किस टाइप के मटेरियल मशीन के अंदर इस्तेमाल होते हैं कौन सा मटेरियल क्यों इस्तेमाल होता है जल्दी बताओ बोलो लॉजिक क्लियर हुआ चलो फिर कोई क्वेरी है तो पूछ लो नहीं तो मैं क्वेश्चंस कराता हूं फिर इस पे बेस्ड क्वेश्चन से आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जितना आपने अभी तक सीखा है क्वेश्चंस पे चलें चलो फिर हां जी मैग्नेट मटेरियल फॉर द कोर इन पावर ट्रांसफॉर्मर मस्ट हैव पावर ट्रांसफॉर्मर माने जो पावर सिस्टम वाले ट्रांसफॉर्मर है उनकी बात कर रहे कैसा मटीरियल होना चाहिए बताओ जल्दी बोलो भाई मटेरियल के अंदर क्या खासियत होनी चाहिए जो ट्रांसफॉर्मर में लगेगा आंसर इज डी हाई परमिएबिलिटी हाई बी सेट ये कहा यूज होता है इस ये किस में मिलता है सीआरजीओ स्टील में हाई सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन का मतलब डज नॉट सेचुरेट इजीली बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड पे जाके सेचुरेशन आएगा जल्दी सेचुरेशन नहीं आएगा डी आएगा बहुत बढ़िया हिस्टरेसिस लूप फॉर द मटीरियल ऑफ कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर शुड बी हिस्टरेसिस लूप कैसा दिखना चाहिए ट्रांसफॉर्मर के कोर का बताओ हिस्टरेसिस लूप का शेप कैसे होना चाहिए द आंसर इज टॉल एंड नैरो नैरो अगला हाउ कैन एडी करेंट लॉस इन द्रांसफॉर्मर कोर मैं अब हर क्वेश्चन पे ना आपको ट्वेंटी सेकेंड दूंगा इस वाले पे थर्टी सेकेंड दे रहा हूं क्योंकि स्टेटमेंट है चेक करो इस पे थर्टी सेकेंड दे रहा हूं वैसे हर एक पे ट्वेंटी सेकेंड दूंगा इस तरह के क्वेश्चन पे टाइम आप आओ देखें बाय इंक्रीजिंग रेजिस्टिविटी ऑफ द कोर एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है पाई स्क्वायर तो रेजिस्टिविटी बढ़ने से एडी करंट लॉस कम होता है करेक्ट लैमिनेटेड शीट शीट से क्या होता है थिकनेस कम होती है तो एडीकरेंट लॉस कम होता है माने एक मोटा सा आयरन का पीस बनाने की जगह पतली पतली शीटें ली जाएं इंसुलेटिंग नॉन मैग्नेटिक मटेरियल अरे भैया नॉन मैग्नेटिक मटेरियल ले लिया ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करेगा पैरा मैग्नेटिक को भी नहीं ले सकते तो आंसर इज ए कोर तो आपका ही बनेगा तो बाकी दोनों ऑप्शन तो बर्बाद है चलिए वाई इज द कोर बिल्टअअप ऑफ लेमिनेशन पंद्रह सेकेंड ट्रांसफॉर्मर का कोर लेमिनेशन की मदद से क्यों बनाया जाता है पतली पतली शीटों का इस्तेमाल क्यों करते हो ऐसा क्या हो रहा है चलो टाइम अप टू रिड्यूस एडी करेंट लॉस अभी अभी बताया ना करंट लॉस कम हो जाता है जितना कम थिकनेस होता है अगला इफ टेम्परेचर इज रेज अब क्यूरी पॉइंट पैरो मैग्नेटिक मटीरियल का अगर क्यूरी पॉइंट के ऊपर टेम्परेचर लेके जाओगे तो क्या होगा बीस सेकेंड है इसमें तो इट बिकम्स पैरामैग्नेटिक यही मैंने बताया ना क्यूरी टेम्परेचर का महत्व जिस टेंचर पे फेरोग्नेटिक आपका पैरा बन जाए जाएंगल इज दैग्नेटिकीरो मटीरियल में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपकी जीरो होती है दिखाया था मैंने आपको डायग्राम ड्रॉ करके किस मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट जीरो आती है अब संदीप भाई लग रहा है चीजें याद हैं जब क्वेश्चन लगा रहे हो एक साथ इतनी सारी थ्योरी पढ़ते हैं ना तो हमको लगता है हमें कुछ याद नहीं हुआ हम भूल गए हैं बट ये थ्योरी लॉजिकल है एंटी फेरो फेरो में कैंसिल आउट हो जाती हैं इक्वल एंड ऑपोजिट तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट आपका जीरो आता है अगेन ट्वेंटी सेकेंड सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रो मैग्नेट बिकॉज सॉफ्ट आयरन से इलेक्ट्रो मैग्नेट क्यों बनाए जाते हैं बोलो भाई सॉफ्ट आयरन में ऐसी क्या खासियत है कि इलेक्ट्रो मैग्नेट बनेगा उससे टाइम अप लो फील्ड लो फील्ड से क्या फायदा है

परमिएबिलिटी हाई रखो सेचुरेशन वाला कम रखो रेजिस्टिविटी तो सेकेंडरी चीज है ना ये दो चीजें प्राइमरी है रजिस्टिविटी मेरे लिए प्राइमरी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन से क्या होता है डायमेंशन बदलता है मटेरियल कभी एक्सपैंड करता है कभी कॉन्ट्रैक्ट करता है डायमेंशन बदलता है व्हेन टेम्परेचर एक्सीड द ट्रांजिशन टेम्परेचर फेरो मैग्नेटिक मटीरियल बिकम्स अगेन ट्वेंटी सेकेंड ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर फैरो मैग्नेटिक मटीरियल में क्या होता है बोलो भाई ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर फेरो मैग्नेटिक मटीरियल में क्या होता है वो बन जाता है बेटा पैरा ट्रांजिशन टेम्परेचर वही हो गया क्यूरी टेम्परेचर इट बिकम्स पैरा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल है और पॉजिटिव है कौन सा मटेरियल है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी स्मॉल एंड पॉजिटिव है कौन सा मटेरियल है बोलिए वॉट काइंड ऑफ अ मटीरियल इज दट आंसर इज पैरा देखो यहां काइएम नेगेटिव होता है नॉन मैग्नेटिक में तो काइएम विल बी जीरो ससेप्टिबिलिटी होगी ही नहीं ठीक है तो ये हो गए भाई आपके आज के क्वेश्चन इसके आगे देखिए आपका असाइनमेंट अटैच है तो आप पीडीएफ डाउनलोड करोगे तो आपको ये असाइनमेंट मिल जाएगा इसकी आंसर कीज भी रहेंगी लास्ट में आप चेक कर सकते हो ठीक है अब संदीप भाई की एक रिक्वेस्ट मैं पूरी कर दूं मैं फटाफट आपको दिखा देता हूं आज हमने क्या सीखा है देखो सबसे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था हाईली कंडक्टिंग मटीरियल कौन से होते हैं कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड जिसमें कॉपर मशीन में यूज होता है एल्यूमिनियम ट्रांसमिशन लाइन में Alloys की की रेजिस्टिविटी ज्यादा ज्यादा होती है हाईली कंडक्टिंग मटेरियल कंडक्टिविटी होनी चाहिए अल्फा लो होना चाहिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए और इजीली वायर बनाने के काम में आ जाए कॉपर के अंदर क्या फायदा होता है कि कॉपर जल्दी करोड़ नहीं होता है मलिएबल है डक्टाइल है इलेक्ट्रिकल मशीन में ज्यादातर कॉपर यूज होता है कौन सा कॉपर हार्ड ड्रॉन कॉपर एल्युमिनियम बहुत इजीली मिल जाता है लेकिन बॉक्साइट के फॉर्म में मिलता है बॉक्साइट को प्यूरिफाई करके क्रायोलाइट में डालते हैं तब मुझे एल्युमिनियम मिलता है एल्युमिनियम का बॉय मेल्टिंग पॉइंट है छह डिग्री सेंटीग्रेड सिल्वर कलर होता है लाइट वेट होता है इसलिए डक्टाइल मटेरियल है वायर बनाने के काम में आता है इसकी मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है 50 से 70 मेगापास्कल बताई थी हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से कंडक्ट कर देता है और इसमें अदर मटेरियल मिलाए जाते हैं जिससे कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ पाए और सारी प्रॉपर्टीज में आपका आपका कम रहता है कॉस्ट कॉस्ट हो या फिर आपका, के अलावा वेट और उसकी स्ट्रेंथ लेकिन इसका एरिया डायमीटर वॉल्यूम ये कॉपर से ज्यादा होते हैं कार्बन आपका ब्रशेस बनाने के काम में आता है क्योंकि कार्बन का सरफेस चिकना होता है इससे क्या फायदा होता है फ्रिक्शन कम होता है लॉसेस कम होते हैं स्पार्किंग कम हो जाती है और बड़ी मशीन के अंदर कार्बन में कॉपर भी ऐड कर देते हैं जिससे कंडक्टिविटी बढ़ाई जा सके ठीक है मैग्नेटिक मटेरियल मैंने आपको बताया डाया मैग्नेटिक जहां मैग्नेटिज्म अपोजिट टू द एक्सटर्नल फील्ड होता है इसे रिपेल करती है मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या क्या आ जाता है आपका इसके अंदर कॉपर आ जाता है देखो यहां पर लिखवाया था कॉपर जर्मेनियम सिलिकॉन डायमंड सुपर इसकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है परमिबिलिटी वन से कम हो जाती है पैरामैग्नेटिक में पहले से डाइपोल प्रेजेंट होते हैं फील्ड लगाते ही सारे फील्ड के पैरल आ जाते हैं ससेप्टिबिलिटी आपकी स्मॉल पॉजिटिव होती है जिससे म्यू आर ग्रेटर देन आता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसको अट्रैक्ट करती है इसमें पोटेशियम ऑक्सीजन एल्यूमिनियम टंगस्टन रेयर अर्थ मेटल आते हैं फेरो में बहुत सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं जिस कारण से इसका स्पिन डाइपोल मोमेंट बहुत हाई होता है और यहाँ पे बहुत हाई आपको मैग्नेटिज्म देखने मिलता है और यहां मैग्नेटिक फील्ड हटा देने के बावजूद भी आपका मैग्नेटिज्म रिटेन रहता है तो ये इसके अंदर बहुत बड़ा फायदा होता है कि मैग्नेटिज्म रिटेन रहता है इसमें ठीक है ये डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं कौन से होते हैं आयरन कोबाल्ट निकेल डिस्प्रोजियम गैडोलिनियम यहां परमिबिलिटी तीन हजार से पांच हजार बहुत हाई होती है ये मैंने आपको फिगर्स दिखाए थे भाई डाया पैरा फेरो के ये बताया था मैग्नेटिक फील्ड का असर कैसा दिखता है हिस्टेरेसिस कर्व में दो चीजें इंपॉर्टेंट है रिटेंटिविटी रिटेंटिविटी और कोअर्सिविटी माने फील्ड हटाने के बाद कितना बी बचा और बी को जीरो करने के लिए कितना फील्ड लगाएंगे दैट इज कोअर्सिविटी ठीक है रिटेंटिविटी कोअर्सिविटी की डेफिनेशन मैंने आपको बताई डोमेन थ्योरी में वीस ने हमको क्या बताया कि आपके डाइपोल अलाइंस तो रहते हैं लेकिन छोटे छोटे रीजन में जिनको डोमेन्स कहते हैं जब आप फील्ड लगाते हो तो ये सारे डोमेन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं फील्ड हटाते हो तो ये डोमेन्स आपस में रैंडम होते हैं विद इन ईच डोमेन सारे डाइपोल अलाइंस होते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन में हमने देखा कि जब आप किसी मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उसके अंदर आपका साइज चेंज होता है तो जब ट्रांसफॉर्मर में अल्टरनेटिंग फील्ड लगाते हैं तो कभी साइज बढ़ता है कभी साइज घटता है जिससे वाइब्रेशन आते हैं वाइब्रेशन आने से क्या होता है आपका हमिंग साउंड पैदा होता है फिर मैंने एंटी फेरो बताया एंटी फेरो में डाइपोल मूवमेंट कट जाता है फेरी में पूरी तरह से कैंसिल नहीं हो पाता कम होता है बट लो नॉन जीरो होता है इसका फायदा होता है इसकी रजिस्टिविटी हाई होती है एडी करेंट लॉस कम होता है इसीलिए हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में इसका यूज करते हैं फिर हमने देखा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल भाई जिनके अंदर सॉफ्ट और हार्ड में क्या बताया सॉफ्ट के अंदर कोर्सिविटी कम होती है इजी मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन हार्ड में दिक्कत ज्यादा आती है हार्ड वाले रिटेन करते हैं ये टेम्परेरी मैग्नेट है ये परमानेंट मैग्नेट है ये इलेक्ट्रो मैगनेट और मशीन के अंदर इस्तेमाल होता है यहाँ पे टेम्परेचर हाई टेम्परेचर तक लेके जाते हैं फिर क्वेंचिंग करते हैं यहाँ पे कोई इंप्योरिटी नहीं होती यहाँ इंप्योरिटी होती है इसका हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा है क्योंकि एरिया ज्यादा है यहाँ हिस्टेरेसिस लॉस कम है यहाँ ससेप्टिबिलिटी और परमियबिलिटी कम है यहाँ ज्यादा है यहाँ कोअर्सिविटी ज्यादा है यहाँ पे कम है ठीक है यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा उधर कोई मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड नहीं है यहां पे बी एच का प्रोडक्ट ज्यादा यहां पे कम है एडी एडीकरेंट लॉस ज्यादा यहां पे एडी पेडीकरेंट लॉस कम है शीट स्टील में हम लोग सिलिकॉन ऐड करते हैं क्यों ऐड करते हैं उससे हिस्टेरेसिस लॉस कम होता है रेजिस्टिविटी बढ़ती है एडी एडीकरेंट लॉस कम होता है साढ़े चार परसेंट से ज्यादा नहीं डाल सकते वरना ब्रिटल हो जाएगी चटक जाएगी कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड में क्या करते हैं भाई ठंडी शीट पे क्या चलाते हैं रोलर चलाते हैं जिससे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में परमियबिलिटी बढ़ जाती है और उसी डायरेक्शन में हम मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे फिर चाहे कोई भी मशीन हो ट्रांसफॉर्मर या रोटेटिंग मशीन जिस डायरेक्शन में रोलर चलाया उसमें ज्यादा फिर मैंने आपको अभी अभी इंसुलेटिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज लिखवाई थी ये प्रॉपर्टीज आपको हर सब्जेक्ट के लिए याद होनी चाहिए नॉट इवन मशीन पावर सिस्टम में भी यही प्रॉपर्टीज रहती हैं और कोई क्वेरी भाई फटाफट क्विक रिवीजन मैंने आप लोगों को करा दिया आज के कॉन्सेप्ट्स का किसी के कोई क्वेरी तीन बच्चों ने हैंड रेस कर रखा है कोई बात है भाई जो आप लोगों को डिस्कस करनी है अगर ऐसा कुछ है तो बताओ जल्दी बोलो ऐसा कोई क्वेरी चले फिर कल मिला जाए आपकी शाम को साढ़े सात बजे नॉन टेक की क्लास रहेगी ठीक है आज से अनुराग सर आपका नॉन टेक वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे उसको अटेंड कर लेना बाकी हम नेटवर्क और मशीन कल कंटिन्यू करेंगे ग्यारह बजे और दो बजे ठीक है ना चलिए थैंक यू एवरीबडी